हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस फर्रे सेशन ऑफ फिजियोलॉजी। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स के लिए फेवरेट सिस्टम्स अगर पूछे जाए तो CVS और RS। मैं भी अक्सर कॉलेज में जब था तो कॉलेज में मतलब 1988 मेरा फर्स्ट ईयर का बैच, पिछले जन्म की बात लगती है, इतना पुराना। तो लेकिन उन दिनों में भी एक दो बुक होते थे, और कौन सा बुक लेने का, कौन सा सिलेक्ट करना पढ़ने के लिए, अक्सर मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि सर ये 5 बुक की लिस्ट है, विच इज़ द बेस्ट वन। तो हम लाइब्रेरी में जाके CVS या RS का कोई चैप्टर निकाल के देखते थे, और फिर उससे हम बुक को डिसाइड करते थे। हर स्टूडेंट की, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की ये दो सिस्टम्स फेवरेट होती है, और कभी कभी CNS भी। तो ये है, आप भी अगर मतलब सेकेंड ईयर में जाओगे, अभी मोस्ट ऑफ यू आर, एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक है, तो कौन सा बुक्स लेना चाहिए? 5 बुक्स है रिकमेंडेड, तो जाओ एक टॉपिक सिलेक्ट करो, वो 5 बुक्स में से पढ़ो, और फिर उसमें आपके लिए सूटेबल कौन सा है, कौन सी लैंग्वेज क्या है, इंडियन ऑथर, फॉरेन ऑथर, जो भी है, वो देख के बुक को फाइनलाइज किया करो। ओके, चलो खैर, so let's start with the respiratory system. BDS students ke liye bhi ye topic sare useful hai, halanki ye thoda detail mein hai kyunki MBBS students ke liye hai, Ashish. So yes, chalo. So respiratory system bahut achhi system hai, high yield system hai. High yield hai क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं MCQs में, वाइवा में, थियोरी लॉन्ग क्वेश्चन, और इसलिए प्रैक्टिकल में भी लंग वॉल्यूम्स, कैपेसिटीज जैसे टॉपिक्स, और इसलिए ये सिस्टम अच्छी करना, परफेक्ट करना इज़ ऑलवेज गुड। तो बचे हुए दिनों में, आप सब अभी एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स हो, बचे हुए दिनों में फिजियो के लिए जितने भी दिन आपने एलोकेट किए हैं, हो सके तो एक पूरा डे RS के लिए रखो, और उसमें ये सारे टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ रिवाइज करने की कोशिश करो। ओके, टाइम बचे अगर पूरे दिन भर में तो कोई छोटी सिस्टम साथ में पढ़ सकते हो, जैसे ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, RS सिस्टम को आपको आधे दिन में या 3/4 दिन में खत्म करना है अगर, तो क्या क्या करना है? बेसिकली 3 बड़े सेगमेंट्स है RS में। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये एक पहला सेगमेंट है, और इसमें इसी के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, तो उसमें मसल्स ऑफ ब्रीदिंग, प्रेशर्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग वगैरह, सरफेक्टेंट, कॉम्प्लायंस, ये सारी चीजें आती है। उसके बाद इसी चैप्टर का और एक कॉमनली आस्क क्वेश्चन, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। तो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, एंड ऐड अ नोट ऑन टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी, या ऐड अ नोट ऑन हचिसन स्पायरोमेट्री। यस आशीष, इंदु खुराना इज अ गुड बुक, बहुत अच्छा, आई मीन ऑथर इज वेरी गुड, और बुक भी काफ़ी अच्छा है, तो यू कैन फॉलो इंदु खुराना, नो प्रॉब्लम। ओके, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज लॉन्ग क्वेश्चन है, LAQs यहाँ पे लिख रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। तो पहले चैप्टर में जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग LAQ आता है, और लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। एक बात बता दूँ, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ये ऐसा टॉपिक है जो सब जगह काम आता है, सब जगह। LAQ आएगा, टाइम वाइटल कैपेसिटी शॉर्ट नोट आ सकती है, MCQs देखो 4 वॉल्यूम्स और 4 कैपेसिटीज है, तो नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 500, 1000, 3500, 4000, ऐसा यू नो MCQ में आ सकता है। और प्रैक्टिकल में स्पायरोमेट्री भी आती है, तो इसलिए ये एक ऐसा चैप्टर या टॉपिक है जो आपने करना ही चाहिए। ओके, अगर आपको 10 मिनट बचे हुए हैं, कोई एक टॉपिक आप RS में से रिवाइज कर सकते हो, उतना ही टाइम बचा है, तो आपको ये टॉपिक
और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर। ये दो टॉपिक्स आप हो सके तो रिवाइज करना। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में फिजियोलॉजिस्ट के ये दो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, लंग वॉल्यूम्स कैपेसिटीज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले चैप्टर में से ये दो LAQs है। के बाद अगला बड़ा सेगमेंट जो है वो गैस ट्रांसपोर्ट। तो गैस ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड एंड विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन O2 डिसोसिएशन कर्व। तो आज हम ये टॉपिक देखेंगे, O2 डिसोसिएशन कर्व। ये एक फेवरेट टॉपिक है फिजियोलॉजिस्ट का ऑल ओवर इंडिया, और इसलिए ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। देखिए एक बात बताता हूँ आपको, और ये अगेन स्मार्ट टिप है, तो इसे आप फॉलो जरूर करो। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कम टाइम बचा है, साल भर थोड़ा पढ़ाई नहीं की है, तो क्या करते हैं, चलो ऑप्शन आता है ना तो CVS के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कर दूंगा और RS में से सारे शॉर्ट नोट्स कर लूंगा। ओके, तो ऑप्शन में CVS का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, LAQ, और फिर RS के सारे शॉर्ट नोट्स। प्लीज ऐसा मत करो। कि आई एम श्योर मेनी ऑफ यू प्रिपेयर लाइक दिस, कि पेपर के हिसाब से कि भाई CVS का ऑप्शन RS ऐसा अगर आता है तो CVS के सारे LAQs कर लूंगा ना, और फिर RS के शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट कर लूंगा उसी सेक्शन में। ऐसा मत करो। ये टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक्स है कि वो शॉर्ट नोट नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन, नहीं तो MCQ, नहीं तो और कहीं जो वाइवा प्रैक्टिकल सब जगह आते हैं। ओके, तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैंने कितने बार बहुत कहा, क्योंकि वो उतना है। तो बात समझ में आ गई। बात यह है कि लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये दो टॉपिक्स, अगर आपको आधा घंटा बचा है एग्जाम के पहले, दो टॉपिक्स कवर करने का टाइम है, तो लंग वॉल्यूम्स कैपेसिटीज और O2 ट्रांसपोर्ट करना ही चाहिए। यही करना है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद फिर तीसरा बड़ा सेगमेंट है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ओके, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में से LAQ आता है, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, LAQ, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड एड अ नोट ऑन हरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्सेस, हरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो ये एक LAQ है। ये थोड़ा कम बार आता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए टॉपिक, करना जरूर चाहिए, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। और केमिकल रेगुलेशन तो आता है, LAQ तो नहीं, शॉर्ट नोट की तरह आता है। और एक अगर तो इतने लॉन्ग क्वेश्चन होने के बाद एक हाइपोक्सिया करके लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अप्लाइड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में अगर कोई LAQ है तो हाइपोक्सिया, डिफाइन हाइपोक्सिया, फ्यू टाइप्स ऑफ हाइपोक्सियाज, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया, क्या कैसे ट्रीट करते हैं, एटसेट्रा। ओके, तो ये सारे LAQs है। और उसके बाद शॉर्ट नोट और SAQs की एक लिस्ट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट वंस, इसी में से मोस्टली सारे SAQs और शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसा लिखता हूँ, तो दैट उसमें शॉर्ट नोट SAQ दोनों हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड सर्फैक्टेंट, ये पता नहीं फिजियोलॉजिस्ट को क्या प्रेम है इस क्वेश्चन से, हर दूसरे एग्जाम में फिजियोलॉजी में सर्फैक्टेंट क्वेश्चन आता है। उसके बाद लंग कॉम्प्लायंस, ये भी एक बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है। फिर वर्क ऑफ ब्रीदिंग, इसी के साथ जुड़ा हुआ शॉर्ट नोट है। कॉम्प्लायंस के बाद ये भी टॉपिक आता है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ग्राफ भी उसका ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये भी पढ़ सकते हो आप। उसके बाद डेड स्पेस, डेड स्पेस के ऊपर भी काफी कॉमनली आस्क शॉर्ट नोट होती है। देन ये बहुत कॉमनली आस्क्ड बता रहा हूं, उसके अलावा भी इक्का दुक्का होंगे कहीं पे। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो SAQ की तरह आता है, ये भी एक बहुत फेवरेट टॉपिक है फिजियोलॉजिस्ट का। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, MCQ में भी पूछते हैं, SAQ में भी आता है। उसके बाद गैस ट्रांसपोर्ट में से CO2 ट्रांसपोर्ट, कुछ यूनिवर्सिटीज में CO2 ट्रांसपोर्ट कम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन,
पर सच बताऊं तो ना इतना मैटर नहीं है लिखने लायक कि भाई 10 मार्क का आप CO2 ट्रांसपोर्ट लिखो, तो शॉर्ट नोट की तरह प्रिपेयर करो, 1-1.5 पेज तक लिखो तो भी काफी है। उसके बाद केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग ये भी बता दिया आपको, और क्या रहा फिर, हाँ वॉट एल्स, अच्छा हाँ हाइपोक्सिया तो मैंने बता दिया, रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, रेस्पिरेटरी चेंजेस इन एक्सरसाइज पढ़ लो, इतना कॉमनली आस्क नहीं है बट पढ़ लेने में क्या हर्ज है, एक बार पढ़ ही लो इसको। और अप्लाइड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हाइपोक्सिया तो मैंने बता दिया, लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन एक्लिमेटाइजेशन टू हाई अल्टीट्यूड, एक्लिमेटाइजेशन टू हाई अल्टीट्यूड एंड डीप सी डाइविंग, सॉरी डीप सी डाइविंग, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो ये रहे शॉर्ट क्वेश्चंस या शॉर्ट नोट्स SAQs फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना वो 2 ही किए ना तो भी बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा आपको, लंग वॉल्यूम्स कैपेसिटीज और गैस ट्रांसफर। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, खास करके जो 2 मैंने बताए वो। और हाँ, काफी लोगों ने हाइपोक्सिया के लिए भी कहा है, हेलो मुकुंद, गुड इवनिंग, डाउट्स रहेगा तो पूछ लेना मुकुंद, यू ऑलवेज आंसर करेक्ट थी, और आई एम श्योर कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है। ओके, अच्छा बाय द वे मेरा आवाज थोड़ा गया हुआ है, लेक्चर्स ओवर लेक्चर्स ओवर लेक्चर्स, लेक्चर्स के ऊपर लेक्चर्स ले लेके, तो प्लीज डोंट माइंड, थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना पड़ेगा। ओके चलो चलो, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले एक आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। तो पुराना किस्सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लिख रहा था फर्रे सीरीज रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो याद आ गया। मैं एक जगह पे पढ़ा रहा था नीट PG के लिए, और मैंने ये सिस्टम स्टार्ट की, और स्टार्ट करने के पहले मैंने कहा कि ना रेस्पिरेटरी सिस्टम इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम। ओके, मैं पढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज माई वीकेस्ट सिस्टम, और ये बोल के मैं रुक गया। और आधे सेकंड के बाद ना सब लोग हंसने लगे, जो जो से हंसी लाफ्टर हो गया। मैंने कहा कि मैंने क्या कह दिया कि ये सब लोग हंस रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज माई वीकेस्ट सिस्टम, ये सेंटेंस पे ना जाने उन्होंने क्या सोच लिया। लेकिन मैंने कहा, अरे भाई टीचिंग की बात कर रहा हूँ, टीचिंग की, ये मैं बहुत बेस्ट सिखाता हूँ, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है कि वही 12वीं में आता है, उसके भी पहले आता है, तो इतना ज़्यादा पढ़ाने में मेरा स्ट्रांग नहीं है वो, सिर्फ ये कह रहा था। तो खैर ऐसे किस्से होते रहते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहला चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इसी के ऊपर LAQ भी आता है, डिस्क्राइब द मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा एक बात बता दूं, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिक्स ऑफ वेंटिलेशन, ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती है। ओके, तो कोई कुछ भी आया उसमें से तो भी आपको लिखना वही है, सेम मैटर होता है, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिक्स ऑफ वेंटिलेशन, डोंट गेट रैटल्ड। अच्छा, रैटल्ड से याद आया, कई बार स्टूडेंट्स ना पेपर, पूरा पेपर पहले पढ़ लेते हैं। ओके, जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, अब ये एक दुधारी तलवार है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रही है तो आपके लिए डिसाइड करना जरूरी होगा, क्या पूरा पेपर आप पहले पढ़ लें, इज दैट अ गुड आइडिया? तो अच्छा है, पढ़ने से ये होता है कि भाई आपको मालूम पड़ता है कि कौन सा मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करूंगा, ऑप्शन में कौन सा मैं छोड़ूंगा, कौन सा लिखूंगा, ये सब देख सकते हो, ये यहां तक ठीक है। पर मैंने अक्सर देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स ना रैटल्ड हो जाते हैं पेपर देखने का, क्योंकि क्या होता है, अरे ये LAQ तो मैंने पढ़ा ही नहीं और ये आ गया एग्जाम में, अब क्या करूं, और वो रैटल्ड में ना जो पढ़ा हुआ हुआ होता है वो भी अच्छे से वो लिख नहीं पाते, भूल जाते हैं, ये अक्सर हुआ है काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी आपको डिवाइज करनी होगी कि क्या आप पेपर आते ही पूरा पेपर एक बार देखोगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अच्छा मैंने पढ़ा है वो सब आया कि नहीं। देखना इज ऑलवेज गुड इफ यू डोंट गेट रैटल्ड। ओके, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि कुछ भी आया तो मैं सॉल्व कर लूंगा तो देख लो पूरा, और वैसे भी आपको आपका स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, याद है ना मैंने पहले फर्रे लेक्चर में बताया था,
ऑलवेज अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट एंड ऑलवेज अटेम्प्ट योर स्ट्रांगेस्ट टॉपिक फर्स्ट. ओके, इंप्रेशन क्रिएट होता है उससे करेक्ट करने वाले के दिमाग. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, उसके बाद मसल्स फॉर ब्रीदिंग और मेन पॉइंट प्रेशर्स कॉल्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. ओके, तो फटाफट बता देता हूं, कॉम्प्लायंस उसके बाद डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एज अ शॉर्ट नोट. चलो लेट्स स्टार्ट. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पहला पॉइंट है, इन अ नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन इज पैसिव प्रोसेस. इन अ नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, ओके, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं मैं, उसमें इंस्पिरेशन इज एक्टिव और जहां इंस्पिरेशन खत्म हुआ वहां से एक्सपिरेशन ऑकर्स एज अ पैसिव रिकॉइल प्रोसेस. ओके, पहला पॉइंट. बाय द वे, दिस इज जस्ट बाय द वे, क्वाइट का स्पेलिंग क्या है, क्वाइट, क्वाइट ब्रीदिंग, ये है क्वाइट का स्पेलिंग. मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे स्पेलिंग लिखते हुए देखा है, क्वाइट, क्वाइट गलत लिखते हैं. ओके, प्रिलियम्स, PRELIUM, प्रिलियम्स. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्पेलिंग्स ऑल्सो. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये पहला पॉइंट, इंस्पिरेशन इज एक्टिव और जहां इंस्पिरेशन खत्म हुआ वहां से एक्सपिरेशन इज ए पैसिव रिकॉइल प्रोसेस, लेकिन कब, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग. नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की रेंज होती है 12-20 ब्रेथ्स पर मिनट, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट. फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का, मसल्स कॉल्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. मसल्स, मसल्स फॉर क्वाइट ब्रीदिंग, और मसल्स फॉर क्वाइट ब्रीदिंग मतलब क्वाइट इंस्पिरेशन. ओके, क्योंकि इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, मतलब एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है ना, तो इसलिए क्वाइट ब्रीदिंग के मसल्स है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स. ऑल राइट, और उसके अलावा एक और पॉइंट जोड़ना होगा आपको, मेल्स में डायफ्राम मूव्स फ्रीली और मोर देन 80% कंपोनेंट ऑफ इंस्पिरेशन कम्स बाय डायफ्राम. ओके, इसलिए इन मेल्स द टाइप ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज, कॉल्ड एज, कम ऑन बोलो, कंप्लीट द सेंटेंस, एब्डोमिनो थोरैसिक. इन फीमेल्स डायफ्राम कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड स्ट्रॉन्ग इंटरकॉस्टल मसल्स. तो फीमेल्स में इंटरकॉस्टल मसल्स दे कॉन्ट्रीब्यूट में, और इसलिए फीमेल्स का टाइप ऑफ ब्रीदिंग इज थोरैको एब्डोमिनल, ओके, मेनली थोरैसिक एंड सम कॉन्ट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम डायफ्राम. तो ये है मसल्स फॉर क्वाइट ब्रीदिंग. उसके बाद फिर मसल्स फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग भी है, तो एक लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पे, स्केलेनी मसल्स, सेराटस एंटीरियर, टर्नोक्लिडोमास्टॉइड, तीनों एस से शुरू हो रहे हैं. ओके, तो स्केलेनी, सेराटस एंटीरियर, टर्नोक्लिडोमास्टॉइड एंड मसल्स फॉर फोर्सफुल एक्सपिरेशन. मसल्स फॉर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, एक तो एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल, ये है मसल्स फॉर हेवी एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन. तो ये हो गए एक्सेसरी मसल्स फॉर ब्रीदिंग. उसके अलावा दो मूवमेंट्स भी है, याद होगा आपको, दो मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, एक है बकेट हैंडल मूवमेंट और दूसरी है पंप हैंडल मूवमेंट. ओके, तो इसके बारे में आप एक एक लाइन में लिख सकते हो उसमें कि भैया बकेट हैंडल मूवमेंट मतलब क्या, ये है बकेट, ये उसका हैंडल, तो जैसे ये हैंडल इज अटैच्ड ऑन बोथ एंड्स एंड इट मूव्स इन अ फिक्स्ड आर्क ऑफ रोटेशन, वैसे ही
मिडिल टू लोअर रिब्स है ना, तो वो दोनों एंड्स को अटैच्ड है, सामने स्टर्नम को और पीछे वर्टिब्रल बॉडीज को, एंड दे मूव इन अ फिक्स्ड आर्क ऑफ रोटेशन. तो वैसे ही दैट्स कॉल्ड एज बकेट हैंडल मूवमेंट. हैंड पंप हैंडल मूवमेंट, रिब्स अलाइंड विद द स्टर्नम लाइक अ वाटर पंप. वो जो तनीपाजी जो गदर मूवी में उखाड़ के लाए थे ना, उखाड़े थे वो, तो वो वाला वाटर पंप, तो उसके पंप हैंडल मूवमेंट. ओके, तो ये मूवमेंट्स हो गई. उसके बाद अब आते हैं मेन पॉइंट के तरफ, मेन इशू की तरफ. ओके ओके चलो, तो अब देखते हैं अगला पॉइंट, एंड दैट इज प्रेशर्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. ओके, जो लेट ज्वाइन किए हैं उनको बता रहा हूं, हम पहला लॉन्ग टॉपिक या लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. और उस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पहला पार्ट हमने देखा इंट्रोडक्शन, उसके बाद मसल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. अब हम देख रहे हैं अगला पार्ट उसका, प्रेशर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. ओके, पहला प्रेशर है इंट्रा थोरैसिक प्रेशर, ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्राथोरासिक और इंट्राप्लूरल प्रेशर. तो फटाफट पॉइंट सुनते जाओ. फर्स्ट पॉइंट, दिस प्रेशर इज मोस्टली निगेटिव, अंडर मोस्ट सर्कमस्टांसेस दिस प्रेशर इज निगेटिव. निगेटिव प्रेशर समझते हो ना, वो पिस्टन पीछे खींचने पर जो क्रिएट होता है ना, वो वैक्यूम टाइप सिरिंज में या पिचकारी में जो क्रिएट होता है ना पिस्टन को पीछे खींचने पर, निगेटिव प्रेशर. तो दिस प्रेशर इज मोस्टली निगेटिव, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर टू बी जीरो, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट ये प्रेशर निगेटिव होता है मोस्टली, एक्सेप्ट फोर्सफुल एक्सपीरेशन. फोर्सफुल एक्सपीरेशन जब करते हैं ना, तो थोरैसिक केज कॉम्प्रेसेस ऑन द प्लूरे और फिर ये प्रेशर पॉजिटिव होता है, अदरवाइज मोस्टली इट इज निगेटिव. पहला पॉइंट. फिर अगला पॉइंट है, वॉट इज दिस प्रेशर, ये कहां का प्रेशर है इंट्राथोरेसिक प्रेशर. दिस इज द प्रेशर अराउंड द लंग्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ प्लूरा, प्रेशर अराउंड द लंग्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ प्लूरा. तो बाहर का लेयर पराइटल लेयर, अंदर का लेयर विसरल लेयर, और इन दो लेयर्स के बीच में जो प्रेशर है उसे कहते हैं इंट्राप्लूरल या इंट्राथोरेसिक प्रेशर. तो ऐसा डायग्राम निकाल सकते हो आप और दिखा सकते हो, यहां का प्रेशर दैट इज इंट्राथोरेसिक और इंट्राप्लूरल प्रेशर, मोस्टली इट इज निगेटिव. तीसरा पॉइंट, व्हाई डू वी नीड निगेटिव प्रेशर. ओके, व्हाई डू वी नीड निगेटिव प्रेशर, टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द लंग्स, या टू कीप द लंग्स डिस्टेंडेड, टू कीप द लंग्स लंग डिस्टेंडेड. ओके, लंग्स हैव इलास्टिक रिकॉइल टेंडेंसी, लंग्स आर लाइक एन इन्फ्लेटेड बलून, अगर आप उनको वैसे ही छोड़ दो तो दे विल कोलैप्स. ओके, तो उन्हें डिस्टेंडेड रखने के लिए के अराउंड वो निगेटिव प्रेशर चाहिए जो उनको ऐसा खींच के ओपन रख सके. तो दैट इज दैट. फिर अगला पॉइंट, ये निगेटिव प्रेशर आया कहां से, हाउ कम दिस निगेटिव प्रेशर इज गेटिंग जनरेटेड, का आंसर है ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग. ओके, इसकी वजह से निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है. कैसे, इनको एक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, क्विकली सुन लो. देखो, विसेरल लेयर ऑफ प्लूरा है ना अंदर का, वो लंग्स से चिपका हुआ है, लंग्स के सरफेस से, और पराइटल लेयर ऑफ प्लूरा जो है वो थोरैसिक केज को अंदर से चिपका हुआ है. तो ये थोरैसिक केज सबसे बाहर, रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स का क्रॉस सेक्शनल व्यू, फिर पराइटल लेयर जो है वो उसको अंदर से चिपका हुआ है. तो गौर करो कि लंग्स हैव इनवर्ड रिकॉइल टेंडेंसी, तो उसकी इस टेंडेंसी की वजह से विसेरल लेयर ऑफ प्लूरा इज पुल्ड इनवर्ड. ओके, देखो पराइटल लेयर ऑफ प्लूरा जो है वो थोरैसिक केज को अंदर से चिपका हुआ है, और विसेरल लेयर है ना,
वो पिस्टन पीछे खींचने के एक्शन की तरह विसरल लेयर ऑफ प्लूरा है, वो ऐसा खींच रहा है अंदर की तरफ, तो एक ऐसा पिस्टन जैसा एक्शन क्रिएट हो जाता है और निगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है। बट बेसिकली क्यों क्रिएट हुआ? बिकॉज ऑफ द इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग्स, लंग्स की रिकॉयल, इनवर्ड रिकॉयल की वजह से विसरल लेयर अंदर की तरफ पुल हुआ और वो निगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया। ऑल राइट, तो ये हो गया। और फिर हाउ मच इज द प्रेशर, हाउ मच इज दिस प्रेशर? ओके, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में, इन क्वाइट ब्रीदिंग दिस प्रेशर इज -5 सेंटीमीटर्स ऑफ वॉटर एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन एंड -7.5 सेंटीमीटर्स ऑफ वॉटर बाय दी एंड ऑफ इन। ठीक है, देखो स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन मतलब उस वक्त लंग्स न्यूट्रल पोजीशन में है, सिर्फ डिस्टेंडेड रखने के लिए उनको -5 इतना प्रेशर लगता है, तो फिर उनको और डिस्टेंड करने के लिए, इंस्पिरेशन के वक्त और डिस्टेंड करने के लिए ये निगेटिव प्रेशर और ज्यादा निगेटिव होना पड़ेगा। ओके, तो वो -7.5 तक, इतना तक निगेटिव प्रेशर हो जाता है। ऑल राइट, और फिर अगर ज्यादा फोर्सफुल इंस्पिरेशन करोगे तो ज्यादा निगेटिव हो जाए। मेरा एक फेवरेट एमसीक्यू था, व्हाट इज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर एट फर्स्ट ब्रेथ? क्या आपको पता है व्हाट इज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर एट फर्स्ट ब्रेथ? मैं रुकता हूं, आप बता सकते हो। प्रेशर एट द फर्स्ट ब्रेथ, फर्स्ट ब्रेथ मतलब व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न और वो न्यू बॉर्न बेबी स्टार्ट्स क्राइंग ना, और पहली सांस लेता है, क्राई करता है, तो उस वक्त तो प्रेशर कितना होता है? कैन एनीवन टेल मी, क्या कोई है? चलो अगर याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं, थोड़ा लैग है मैं बताने से और आपको, आपके तक पहुंचने तक। हाँ करेक्ट, सनी ने करेक्ट आंसर दिया है, यस करेक्ट, एब्सोल्युटली सनी यू आर राइट, -60 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर प्रेशर एट द फर्स्ट ब्रेथ। जब चाइल्ड इज बॉर्न उसके लंग्स कोलैप्स रहते हैं ना, तब तक तो प्लासेंटा से ब्रीदिंग हो रहा था, और अब चाइल्ड कॉर्ड क्लैंप करने के बाद चाइल्ड के लंग्स अब इंडिपेंडेंटली ब्रीद करना शुरू करना चाहिए ना, तो कोलैप्स होते हैं उस वक्त तक, तो उनको डिस्टेंड करने के लिए पहले ब्रेथ का प्रेशर -6 होता है और लंग्स थोड़े डिस्टेंड होते हैं, फिर थोड़े 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 करके फिर फाइनली जब पूरे डिस्टेंड होते हैं ना, फिर ये प्रेशर्स आ जाते हैं। ऑल राइट, चलो तो ये हो गया इंट्राथोरेसिक प्रेशर। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेशर इज इंट्रा अल्वियोलर प्रेशर, ये बहुत सिंपल है, इंट्रा अल्वियोलर प्रेशर। तो ये -1 एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन, स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्टार्ट ऑफ एक्सपिरेशन +1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ये तो कोई लॉजिकल है ना। एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन अल्वियोलस का प्रेशर बिकम्स -1 सो दैट एटमोस्फेरिक एयर इज सक्ड इन एंड इंस्पिरेशन हैपन्स। यहां का प्रेशर 0 है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, और यहां -1 तो ये प्रेशर विल बी सक्ड, एयर विल बी सक्ड इन एंड इंस्पिरेशन विल हैपन, और फिर एयर भर जाती है तो प्रेशर 0 होके +1 होना स्टार्ट होगा, तो एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपिरेशन +1 एंड दैट विल एक्सपेल द एयर आउट एंड एक्सपिरेशन विल हैपन, तो इंट्रा अल्वियोलर प्रेशर। अगला प्रेशर है ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर अक्रॉस द लंग, प्रेशर अक्रॉस द लंग, तो दैट इज ट्रांस पल्मोनरी, और वो प्रेशर है ये देखो, ये अल्वियोलस का प्रेशर और ये इंट्राप्लूरल प्रेशर, इनके बीच का डिफरेंस इज ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर।
प्रेशर अक्रॉस द लंग, तो अक्रॉस द लंग, तो इट इज अल्वियोलर प्रेशर माइनस इंट्रा प्लूरल प्रेशर. अल्वियोलर माइनस इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ये प्रेशर डिफरेंस होता है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेशर्स आपको लिखने होते हैं, इसको हम चेक करके आपको फुल मार्क्स देते हैं. तो चलिए, ये प्रेशर्स हो गया, मसल्स हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया. अब देखते हैं अगला पार्ट. तो आप इसमें लिख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में सर्फैक्टेंट, या उसकी अलग से शॉर्ट नोट भी आती है. तो चलिए अब शॉर्ट नोट देखते हैं. सर्फैक्टेंट, सर्फैक्टेंट, ओके. मैं सिर्फ बहुत कॉमनली आज टॉपिक्स आज लेने वाला हूं, सो दैट वी कैन कवर मोर ग्राउंड रादर देन गोइंग इन टू डेप्थ. चलो सर्फैक्टेंट देखो. इंट्रोडक्शन, सरफेस टेंशन इज प्रेजेंट इन द अल्वियोलाई एंड देयरफॉर लंग्स हैव कोलैप्सिंग टेंडेंसी. सरफेस टेंशन इन द अल्वियोलाई एंड बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन प्रेजेंट इन द अल्वियोलाई लंग्स हैव नेचुरल कोलैप्सिंग टेंडेंसी. कोलैप्सिंग टेंडेंसी या इलास्टिक रिकॉइल टेंडेंसी या इनवर्ड रिकॉइल टेंडेंसी. साइड में डायग्राम निकालो. ये है अपने अल्वियोलाई. अल्वियोलाई आर लाइंड विथ अ फ्लूइड, और जहां पर भी फ्लूइड एयर इंटरफेस होगी ना, वहां पे सरफेस टेंशन होगा. सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस फ्लूइड के, वहां पे सरफेस टेंशन होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट द सरफेस इज अटेम्प्टिंग टू श्रिंक, और उसकी वजह से ये श्रिंकिंग टेंडेंसी आती है अल्वियोलाई में, और उनकी वजह से लंग्स हैव कोलैप्सिंग टेंडेंसी. तो ये इंट्रोडक्शन हुआ सरफेस टेंशन का. अब व्हाट इज सर्फैक्टेंट? सर्फैक्टेंट इज ए सरफेस एक्टिव एजेंट या सरफेस एक्टिव मटेरियल दैट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन विद इन द अल्वियोलाई. ओके, और एक मिनट, मैं एसी को थोड़ा एडजस्ट करता हूं प्रॉपरली. चलो ओके. तो सर्फैक्टेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन विद इन द अल्वियोलाई. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सरफेस टेंशन की वजह से कोलैप्सिबिलिटी थी अल्वियोलाई की. अब सर्फैक्टेंट उसे कम करने वाला है. मतलब क्या होगा, लिख देता हूं यहां पे. सरफेस टेंशन कम मतलब इट डिक्रीजेस द कोलैप्सिबिलिटी ऑफ द लंग. लंग्स की इनवर्ड कोलैप्सिबिलिटी कम करता है, और कोलैप्सिबिलिटी कम करता है मतलब डिस्टेंसिबिलिटी बढ़ाता है. कोलैप्सिबिलिटी मतलब अंदर की तरफ कोलैप्स होना, डिस्टेंसिबिलिटी मतलब बाहर की तरफ डिस्टेंड होना. तो इट डिक्रीजेस द कोलैप्सिबिलिटी ऑफ द लंग्स, इसका मतलब इंक्रीजेस द डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स. ओके, तो सर्फैक्टेंट का काम है लंग्स की डिस्टेंसिबिलिटी को मेंटेन रखना, बढ़ाना, कोलैप्सिबिलिटी को कम करना. ये हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट द सर्फैक्टेंट. के बाद अगला पॉइंट, द सेल दैट फॉर्म्स द सर्फैक्टेंट. तो जस्ट क्विकली मैं आपको बता देता हूं यहां पे डायग्राम से. अल्वियोलाई जो है ना, अल्वियोलाई, they are lined with cells, epithelial cells, which are called as pneumocytes. So, type 1, type 2, or type 3, aise teen type ke pneumocytes hote, alveolar epithelial cells. So, isme se type 1 pneumocyte occupies 93% surface area of the alveoli. एंड इसका काम क्या, गैस एक्सचेंज. गैस एक्सचेंज ऑकर्स अक्रॉस टाइप वन न्यूमोसाइट. देखो ये अल्वियोलस है यहां पे, और ब्लड वेसल है, तो ऑक्सीजन
टाइप वन न्यूमोसाइट के थ्रू अक्रॉस जाके ब्लड में चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा. ओके तो गैस एक्सचेंज ऑकर्स अक्रॉस टाइप वन न्यूमोसाइट. के बाद टाइप टू न्यूमोसाइट, दिस इज प्रेजेंट ओवर 5% सरफेस एरिया ऑफ द अल्वियोलस. देखो मैंने एक अल्वियोलस निकाला है, लंग्स आर मेड अप ऑफ मिलियन अल्वियोलाय. ओके हमने एक निकाला है सिर्फ. तो 5% सरफेस एरिया ऑफ एन अल्वियोलस इज कवर्ड विथ टाइप टू न्यूमोसाइट्स एंड इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ सर्फैक्टेंट. ओके सिंथेसिस ऑफ द सर्फैक्टेंट. तो एमसीक्यू में भी आता है कई बार सर्फैक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइप टू साइट्स अल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स. अच्छा एक बात पूछता हूं, आपको सिर्फ टाइप वन या टाइप टू इतना ही लिखना है. ओके तो मेरी बात सुनो, ठीक से सुनो और आंसर करो. मैं 10 सेकंड के लिए रुकूंगा, तब तक मैं एक पानी का सिप भी ले लूंगा. देखो गौर से सुनो, टाइप वन न्यूमोसाइट्स दे आर प्रेजेंट ओवर 93% सरफेस एरिया ऑफ द अल्वियोलस. टाइप टू न्यूमोसाइट्स दे आर प्रेजेंट ओवर 5% सरफेस एरिया ऑफ द अल्वियोलस एंड येट इन नंबर दे एग्जिस्ट इन अ रेशियो ऑफ 1:1. तो मुझे बताओ कौन सी सेल स्मॉल होगी. लिखो मैं देखता हूं, रुकता हूं 10 सेकंड्स के लिए. वो पहली सेल 93% सरफेस एरिया को कवर कर रही है, टाइप टू सेल सिर्फ 5% सरफेस एरिया को कवर कर रही है, लेकिन नंबर में देखा जाए तो दोनों 1:1 में एग्जिस्ट करती है उनका नंबर जो है वो. तो कौन सी सेल स्मॉल होगी बताओ. जब भी मैं ये सवाल पूछता हूं ना, तो आधे लोग टाइप वन लिखते हैं, आधे लोग टाइप टू लिखते हैं. अरे भाई टाइप, मैंने छोटी सेल कौन सी पूछी, टाइप टू विल बी स्मॉल सेल ना. सब लोग टाइप वन लिख रहे हैं. अरे यार सब लोग टाइप वन लिख रहे हैं कैसे. सुनो मेरी बात सुनो, टाइप वन इज प्रेजेंट ओवर 93% सरफेस एरिया ऑफ द अल्वियोलस एंड टाइप टू इज प्रेजेंट ओनली ओवर 5% सरफेस एरिया ऑफ द अल्वियोलस. अब गौर करो, सिर्फ 5% एरिया पे होते हुए भी नंबर में वो टाइप वन के बराबर है जितनी ही है. तो इसका ये कैसे पॉसिबल होगा, वो सेल स्मॉल होगी ना, तब नंबर में ज्यादा होगी ना, नंबर में ज्यादा होगी और फिर भी छोटे एरिया में उतना ज्यादा नंबर बैठ सकता है, समझ रहे हो. तो टाइप टू सेल विल बी अ स्मॉल सेल. खैर कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता है कि मैं ये सवाल पूछता हूँ और मोस्टली तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी सेल. तो जस्ट आपको अगर आप कन्विंस नहीं हो तो अल्वियोलस कैसे दिखता है वो बताता हूँ, तो फिर आपको समझ में. अल्वियोलस है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए ऐसे दिखता है. तो उसका उसके कॉर्नर्स में ऐसी छोटी छोटी सेल्स होती है, यहाँ कॉर्नर्स में ये है टाइप टू न्यूमोसाइट्स के, सिर्फ 5% एरिया पे होती है और बाकी 93% सरफेस एरिया पे टाइप वन न्यूमोसाइट होती है. ऑब्वियसली ना गैस एक्सचेंज जो है वो उनके अक्रॉस ही होने वाला है, तो मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड विद टाइप वन न्यूमोसाइट. ये अल्वियोलस ऐसे दिखता है. अगर आपको टाइप टू ठीक से नजर नहीं आ रही डायग्राम में, तो ये ऐसे कॉर्नर में छोटी 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 सेल्स होती है ऐसे यहाँ पे. ओके बात समझ में आ गई. तो 5% एरिया पे होते हुए भी नंबर में वो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि छोटी सेल्स है वो. देखो ऐसे बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह छोटी 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 सेल्स है और बाकी पूरा एरिया इज कवर्ड विद टाइप वन. समझ में आ गया. चलो ठीक है, तो टाइप टू न्यूमोसाइट सिंथेसाइजेस द सर्फैक्टेंट और टाइप थ्री न्यूमोसाइट जो है ना 2% एरिया पे होती है और इट एक्ट्स एज अ कीमो रिसेप्टर सेल. इनहेल्ड केमिकल्स को सेंस करने वाली सेल होती है टाइप थ्री साइट. हमने केमिकल्स को इनहेल कर लिया तो सेंस करती है. चलो सर्फैक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइप टू न्यूमोसाइट्स. अगला पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द सर्फैक्टेंट कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन में आपको तीन मेन चीजें लिखनी है, तीन मेन चीजें. सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सर्फैक्टेंट बाहर कर लिया होगा आपने, DPPC.
पामिटॉइल फॉस्फेटिडिल कोलिन, डाई पामिटॉइल लेसिथिन भी कहते हैं उसको, फॉस्फेटिडिल कोलिन को लेसिथिन कहते हैं, तो डाई पामिटॉइल फॉस्फेटिडिल कोलिन। के अलावा सरफेस एपोलिपोप्रोटीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, दे रेगुलेट द सर्फैक्टेंट टर्नओवर का प्रोडक्शन, उसका स्प्रेड, उसका डिग्रेडेशन। और कैल्शियम आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फास्टर स्प्रेड ऑफ द सर्फैक्टेंट। तो ये तीन लिखे हैं कि नहीं ये हम देखते हैं, बाकी आप फॉस्फोलिपिड्स, दूसरे लिपिड्स ये सब लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ये तीन चाहिए हमको। ओके तो ये रहा कॉम्पोजिशन ऑफ द सर्फैक्टेंट। व्हाट इज द प्रिकर्सर फॉर सर्फैक्टेंट? प्रिकर्सर फॉर सर्फैक्टेंट इज ट्यूबुलर माइलिन इज द प्रिकर्सर फॉर सर्फैक्टेंट। ओके यानी ये टाइप टू न्यूमोसाइट्स जो है ना उनमें ट्यूबुलर माइलिन अपीयर होता है पहले, क्योंकि लिपिड रिच एक है कंटेंट, और फिर उसके बाद उससे बनता है अपना सर्फैक्टेंट। तो कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिकर्सर फॉर सर्फैक्टेंट, इट्स अ ट्यूबुलर माइलिन। ऑल राइट फाइनली फंक्शंस ऑफ द सर्फैक्टेंट एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो फंक्शंस दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उतने बता देता हूं। एक, इट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन, ये तो हमको पता ही है, डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन, और इसका मतलब इट रिड्यूसेस द कोलैप्सिबिलिटी, रिड्यूसेस द कोलैप्सिबिलिटी ये भी पता है, और रिड्यूसेस द कोलैप्सिबिलिटी मतलब इंक्रीजेस द डिस्टेंसिबिलिटी, ये भी हमको पता है, डिस्टेंसिबिलिटी का नाम है कॉम्प्लायंस। तो ये वर्ड हम ढूंढेंगे, सर्फैक्टेंट इंक्रीजेस द कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग्स, डिस्टेंसिबिलिटी यानी कि कॉम्प्लायंस, लंग्स कैसे डिस्टेंड होते हैं, कैसे स्ट्रेच होते हैं एज अ टिश्यू। दूसरा दूसरा फंक्शन है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन गैस ट्रांसफर, हेल्प्स इन गैस ट्रांसफर, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड्स वगैरह है ना उसमें, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन इजीली डिफ्यूज, तो इट हेल्प्स इन द गैस ट्रांसफर। इट कीप्स द अल्वियोलाई ड्राई, कीप्स द अल्वियोलाई ड्राई। देखो एक तो ये ऑयल है, फॉस्फोलिपिड्स मतलब क्या, लिपिड्स, ऑयल, ऑयली कंटेंट है, सर्फैक्टेंट का पूरा कंटेंट ऑयली है, तो वो ना अल्वियोलाई के ऊपर पानी जमा नहीं होने देता, और कोलैप्सिबिलिटी को भी कम करता है, और उस वजह से भी पानी अल्वियोलाइन में नहीं भरता, तो इट हेल्प्स टू कीप द अल्वियोलाई ड्राई। ऑयल के ऊपर पानी जमा नहीं होगा ना, याद रखना, इस तरीके से वो ड्राई रखने में मदद करता है। और चौथा फंक्शन है, इट स्टेबिलाइजेस द अल्वियोलर सिस्टम ऑफ इंटर डिपेंडेंस, स्टेबिलाइजेस द अल्वियोलर सिस्टम ऑफ इंटर डिपेंडेंस। तो एक डायग्राम है, नोट्स में है, आप बाद में देख लेना लेक्चर के बाद, मैं सिर्फ आपको का ये बता देता हूं। अगर सर्फैक्टेंट एब्सेंट है तो ये नेबरिंग अल्वियोलाई, सर्फैक्टेंट नहीं होगा तो बाय लाप्लेसेस लॉ कुछ ऐसा प्रेशर बनेगा कि एयर विल गो फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज अल्वियोलाई एंड दिस विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन द लंग्स, मतलब छोटे अल्वियोलाई कोलैप्स होते जाएंगे और बड़े अल्वियोलाई और बड़े होते जाएंगे, तो कंप्लीट इंस्टेबिलिटी। ओके दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ सर्फैक्टेंट। और अगर सर्फैक्टेंट प्रेजेंट है, अगर सर्फैक्टेंट प्रेजेंट है तब क्या होगा, सेम अल्वियोलाई, सेम दो नेबरिंग अल्वियोलाई, एक बड़ा एक छोटा, तो अब उल्टा होगा, सर्फैक्टेंट प्रेजेंट है तो अब एयर ऐसे यहां से यहां जाती है और दोनों अल्वियोलाई स्टेबिलाइज होते हैं। अब मैं लाप्लेसेस लॉ और डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, बस आपको इतना याद रखना था कि वो स्टेबल बना देता है अल्वियोलर सिस्टम जो है ना, इंटरडिपेंडेंट होते हैं अल्वियोलाई, उनमें एयर का एक्सचेंज होता रहता है, तो सर्फैक्टेंट की वजह से दोनों अल्वियोलाई मजबूत स्थिति में आ जाते हैं।
अगर नहीं होता सर्फेक्टेंट तो छोटे अल्वियोलाई बच नहीं पाते और बड़े अल्वियोलाई बड़े बड़े होते जाते तो इनस्टेबिलिटी हो जाती। फाइनली अप्लाइड फिजियोलॉजी, तो दो लाइन लिखना है, क्लिनिकल एप्लीकेशन। कम ऑन, क्या आपको पता है इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? अगर सर्फेक्टेंट प्रेजेंट नहीं है तो क्या कंडीशन होती है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, रेस्पिरेशन विल बी इन ग्रेट डिस्ट्रेस, बहुत डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि सर्फेक्टेंट अगर नहीं होगा तो लंग्स को डिस्टेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उससे होगा अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। याद रखना, को ना आर्टिफिशियल ब्रीदिंग या वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है पेशेंट, बहुत सीरियस कंडीशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। चलिए, तो ये हो गया सर्फेक्टेंट। अब अगला टॉपिक कंप्लायंस। मैं सिर्फ थोड़े पॉइंट्स बता रहा हूँ और डायग्राम बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पास दो बड़े टॉपिक्स लेने हैं, लंग वॉल्यूम्स कैपेसिटीज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आई नीड टाइम फॉर दैट। तो चलो, अगला टॉपिक है लंग कॉम्प्लायंस, क्योंकि ये भी बार बार पूछा जाता है तो आई थॉट कि आई विल कवर दिस वन ऑल्सो। वॉट इज कॉम्प्लायंस? देखिए, मैंने अक्सर कहा है ना लेक्चर्स में, अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो कॉम्प्लायंस, सॉरी व्हाट वाज आई से, हाँ कि इंग्लिश थोड़ी अच्छी नॉलेज आपकी होने होना अच्छा है। देखो, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप हिंदी में समझो वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन इंग्लिश अगर अच्छी हो ना तो एक फायदा हो जाता है, वर्ड्स के रियल मीनिंग्स आपको क्लियरली समझ में आते हैं और फिर वो क्या कहना चाह रहा है वो कॉन्सेप्ट वो भी अच्छे से समझ में आता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि डिक्शनरी खरीदो आगे जाने के बाद, और वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है लैंग्वेज में वो समझ के करो। जैसे कॉम्प्लायंस, हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं और फिर वो सामने वाला चीज़ वो कर देता है, इसको कहते हैं सामने वाले ने कॉम्प्लाई कर लिया, आपने फोर्स लगाया तो उसने कॉम्प्लाई कर लिया। तो कॉम्प्लायंस इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द लंग, मेजर ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द लंग। ओके, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द लंग। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, लंग पैरेन्काइमा है ना, उसकी तुलना किससे की जाती है पता है आपको? नायलॉन स्टॉकिंग्स फिनोमेनन। नायलॉन स्टॉकिंग्स, आपको स्टॉकिंग्स पता है, स्टॉकिंग्स तो लेडीज पहनती है वो, या सॉक्स, तो स्टॉकिंग्स वैसे ही लंग्स का है कि वो नायलॉन स्टॉकिंग का एक थ्रेड अगर आप निकालो तो वो उतना स्ट्रेचेबल नहीं रहता, लेकिन जब उसकी वो स्टॉकिंग्स बनती है ना, सॉक्स या स्टॉकिंग्स, तो वो काफी स्ट्रेचेबल बन जाती है। लंग्स का भी वैसा ही है कुछ, लंग पैरेन्काइमा के एक एक थ्रेड को देखो तो वो इतना स्ट्रेचेबल नहीं है, लेकिन पूरी लंग एज अ टिश्यू क्वाइट स्ट्रेचेबल एंड डिस्टेंसिबल। ओके, और उस वजह से इंस्पिरेशन में अच्छा खासा डिस्टेंशन होता है। कॉम्प्लायंस इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स, और कॉम्प्लायंस इज इनवर्स ऑफ सरफेस टेंशन। कॉम्प्लायंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कम रहेगा तो कॉम्प्लायंस ज्यादा रहेगा। ओके, सरफेस टेंशन कोलैप्सिबिलिटी करता है ना, के लिए। तो ये एक पार्ट, और तीसरा पॉइंट, कॉम्प्लायंस इज डिफाइंड एज, और डेफिनेशन है, चेंज इन द लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज ऑफ प्रेशर अराउंड द लंग। चेंज इन द लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज ऑफ प्रेशर अराउंड द लंग। ओके, यानी ब्रैकेट में लिखो डेल्टा वी बाय डेल्टा पी, चेंज इन द लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज ऑफ प्रेशर अराउंड द लंग, दैट इज द कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग। ओके, तो दो तीन टाइप्स के कॉम्प्लायंस होते हैं। पहला है स्टैटिक कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग्स। ओके, स्टैटिक कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग, ये कितना है? बाय हार्ट करो, 200 ml पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर।
आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है ना, चेंज इन द लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज ऑफ प्रेशर अराउंड द लंग, यानी इतना प्रेशर चेंज होने पर इतना डिस्टेंशन होता है लंग्स का, ये रिलेशनशिप को कहते हैं कॉम्प्लायंस। अब देखो यहां पे लिखा है हमने 200 ml पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी फॉर एवरी 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर चेंज अराउंड द लंग्स, लंग्स का डिस्टेंशन होगा बाय 200 ml ऑफ एयर। अब गौर करो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, क्वाइट इंस्पिरेशन में स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन में प्रेशर कितना था, -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, बाय द एंड ऑफ इंस्पिरेशन वो कितना हुआ, -7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ओके, मतलब क्वाइट इंस्पिरेशन में कितना प्रेशर चेंज हुआ, 0.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से प्रेशर चेंज हुआ ना, स्टार्टिंग में -5 और एंड में -7.5, मतलब क्वाइट इंस्पिरेशन में प्रेशर चेंजेस बाय 2.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर टोटली। हम कह रहे हैं फॉर एवरी 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर चेंज लंग्स का डिस्टेंशन होता है 200 ml से। अब टोटल प्रेशर चेंज 2.5 सेंटीमीटर का है तो टोटल डिस्टेंशन ऑफ द लंग्स कितना होगा, 200 × 2.5 एंड दैट इज 500 ml, और जो कि है हमारा टाइडल वॉल्यूम ऑफ ब्रीदिंग है ना, तो ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम। लेकिन ये क्यों है ऐसा 500 ml, वो मैंने आपको बताया कि लंग्स के आजू बाजू का प्रेशर -5 से -7.5 जाता है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर से चेंज होता है, और हर 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के प्रेशर चेंज के लिए लंग्स का डिस्टेंशन 200 ml से है, तो 2.5 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर चेंज से कितना डिस्टेंशन होगा, 500 ml का, ये है सीधा सीधा लंग्स का कॉम्प्लायंस। ओके, दूसरा टाइप का कॉम्प्लायंस है स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस। हर पर्सन में लंग्स की डिस्टेंसिबिलिटी और लंग्स का साइज, इसका एक अलग रेशियो रहता है, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज कॉम्प्लायंस अपॉन FRC, कॉम्प्लायंस अपॉन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, ये बाद में बताऊंगा फंक्शनल कैपेसिटी। और तीसरा टाइप है, वो कॉन्सेप्ट है, मैं 2 मिनट लेके इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, और वो है डायनामिक कॉम्प्लायंस। डायनामिक कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग मतलब ब्रीदिंग के हर स्टेज में लंग्स की डिस्टेंसिबिलिटी अलग अलग होती है, डेल्टा वी बाय डेल्टा पी रिलेशन चेंज होता जाता है इन द स्टेज ऑफ ब्रीदिंग, और ये चेंजिंग रिलेशनशिप को कहा गया है डायनामिक कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग। ओके, कैसे ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सुनो, एग्जाम में लिखो, टॉप मार्क्स मिलेंगे। देखो, एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन डेल्टा वी बाय डेल्टा पी रिलेशनशिप इज गुड, कॉम्प्लायंस इज हाई। यू नो क्यू? देखो, स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन मतलब अल्वियोलाई आर स्मॉल इन डायमीटर, अल्वियोलाई आर स्मॉल ना इंस्पिरेशन के स्टार्ट में, अगर अल्वियोलाई आर स्मॉल तो उनमें सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड ओवर ए स्मॉल एरिया, है ना, अल्वियोलाई छोटे है तो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे ओवर दिस स्मॉल एरिया, और क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं दे विल बी मोर एफिशिएंट इन रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन अगर कम तो कॉम्प्लायंस विल बी हाई, इनवर्स रिलेशनशिप ना, बताया ना हमने 2 बार, तो इस वजह से एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन कॉम्प्लायंस इज हाई, और कॉम्प्लायंस इज हाई का मतलब क्या, ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा पी रिलेशनशिप है ना वो अच्छी है, अच्छी है का मतलब क्या, थोड़े से प्रेशर चेंज पर अच्छा डिस्टेंशन होता है। तो मैं आपको बलून का एग्जांपल दूंगा, एक्चुअली एग्जैक्टली बलून की तरह नहीं है ये रिलेशन, लेकिन सोचो कि शुरुआत में थोड़ा सा प्रेशर लगाने पर
बलून अच्छा डिस्टेंड हो रहा है, और आखिर में ज्यादा प्रेशर लगाने पर थोड़ा सा ही डिस्टेंशन हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब शुरुआत में कॉम्प्लायंस अच्छा था और एंड में कॉम्प्लायंस कम है। तो एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन कॉम्प्लायंस इज हाई, क्योंकि सरफेस टेंशन इज लो लेस, एंड बाय द एंड ऑफ इंस्पिरेशन, बाय द एंड ऑफ इंस्पिरेशन, अब उल्टा देखो ना, एंड ऑफ इंस्पिरेशन मतलब अल्वियोला इज ऑलरेडी फिल्ड विथ एयर, इंस्पिरेशन का एंड में लार्ज हो गया अल्वियोलस, तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल स्कैटर हो गए। ओके, तो वो अब सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने में इतने इफेक्टिव नहीं रहते, इसका मतलब कि सरफेस टेंशन अब ज्यादा होगा और कॉम्प्लायंस कम होगा। तो बाय द एंड ऑफ इंस्पिरेशन कॉम्प्लायंस इज स्लो, यानी ज्यादा दम लगाने पर, ज्यादा प्रेशर लगाने पर थोड़ा सा वॉल्यूम, तो वो है लो कॉम्प्लायंस। समझ रहे हो डेल्टा वी बाय डेल्टा पी रिलेशनशिप और कॉम्प्लायंस की मीनिंग, के थोड़े से प्रेशर चेंज में अच्छा वॉल्यूम डिस्टेंशन होगा तो हम कहेंगे कॉम्प्लायंस अच्छा है, ज्यादा है, और ज्यादा प्रेशर लगाने पर थोड़ा सा ही वॉल्यूम डिस्टेंशन होगा तो हम कहेंगे कॉम्प्लायंस कम है। तो ये है डायनामिक कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग। फाइनली डायग्राम निकालते हैं और अप्लाइड फिजियोलॉजी, और फिर हमारा फेवरेट टॉपिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। तो कॉम्प्लायंस डायग्राम, मैं जानता हूं बहुत सारे कॉलेज में ना ये टर्म यूज होती है, कॉम्प्लायंस डायग्राम इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस, है ना। हिस्टेरेसिस इज अ ग्रीक टर्म, मैथमेटिकल टर्म, द सिस्टम दैट फॉलोज डिफरेंट पाथ्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड विड्रॉवल ऑफ स्टिमुलस, ऐसी सिस्टम को कहा जाता है हिस्टेरेसिस, जो एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस और विड्रॉवल ऑफ स्टिमुलस पे अलग अलग पाथ को फॉलो करती है, ऐसी सिस्टम को हिस्टेरेसिस कहा जाता है। तो कॉम्प्लायंस डायग्राम इज हिस्टेरेसिस डायग्राम, क्यों, ये देखो ऐसे बेसिकली कॉम्प्लायंस इज अ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये तो आपको पता है। तो इस एक्सिस पे है प्रेशर, इस एक्सिस पे है वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो प्रेशर -5, -6, -7, -7.5 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, और वॉल्यूम डिस्टेंशन ऑफ लंग्स, वॉल्यूम ml 250 ml हो गया और ये 500 ml। ओके, तो इंस्पिरेशन, This is the curve for inspiration, and expiration, the curve for expiration. तो यह है compliance diagram. Inspiration के लिए अलग pressure volume relationship follow की उसने, और expiration के लिए अलग pressure volume relationship follow की, तो इस वजह से इसको hysteresis कहा जाता है। तो ये diagram है, pressure volume relationship है। अच्छा, आपने books में थोड़ी और shape देखा होगा, मैं जानता हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं ये, सर बुक में तो कोई और शेप दिया है थोड़ा सा और आप थोड़ा अलग शेप निकाल रहे हो। अरे भाई, बुक में ना जीरो से स्टार्ट करते हैं प्रेशर, मैंने -5 से स्टार्ट किया है, ओके, तो -5 to -7.5 इतना ही लिया है, तो ऐसे अपीयर हो। ओके चलो, तो ये है कॉम्प्लायंस डायग्राम, ये आपको निकालनी होगी, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दिखाना है, लिखना है, और ये प्रेशर और वॉल्यूम, और फाइनली अप्लाइड एस्पेक्ट, क्योंकि हम सिर्फ फटाफट रिवाइज कर रहे हैं ये, अरे यार पेज चाहिए। ओके, तो अप्लाइड एस्पेक्ट, चलिए अब आपको पूछता हूं, एक्चुअली मैंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत सारा कंटेंट फिनिश करना था इन कम टाइम, तो मैंने आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करा के लिया, अब लेता हूं। मुझे एक कंडीशन बताओ जिसमें कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर के लिए, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें लंग कॉम्प्लायंस इंक्रीजेस। कोई है, हेलो, नॉक नॉक, हु इज देयर, लंग कॉम्प्लायंस इंक्रीज होने वाली कंडीशन का नाम बताओ।
हेलो एनीबडी होम एनीबडी आंसरिंग। अरे वाह सनी आपकी पढ़ाई अच्छी हो गई है आई मस्ट से, क्योंकि आपने ये आंसर भी करेक्ट दिया है। अच्छा मुकुंद यू आर प्रिंसिपली करेक्ट, लेकिन आप फिजियोलॉजिकल बताया और मैं आपको मतलब अप्लाइड एस्पेक्ट पूछ रहा था। तो मुकुंद यू आर नॉट रॉन्ग, लेकिन सनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्लीज कॉम्प्लायंस वाली है एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा ओके, स्पेलिंग बराबर देख लेना एम्फाइसेमा। क्विकली बता रहा हूं दो तीन लाइंस में सुनो, एम्फाइसेमा मतलब ओवर डिस्टेंशन ऑफ एनी टिश्यू विथ एयर और गैस, दैट्स एम्फाइसेमा। तो सोचो के अल्वियोलाय आर ओवर डिस्टेंडेड विथ एयर, सीओपीडीज होते हैं ना उसमें लेटर स्टेज में एम्फाइसेमा होता है। तो क्या होता है ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द अल्वियोलर वॉल्स, और उसकी वजह से अल्वियोलर वॉल्स गेट डिस्ट्रॉयड ओके, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उनके डिस्ट्रक्शन से क्या होता है के वॉल्स के बीच में अल्वियोलर वॉल्स के बीच में जो इलास्टिन और दूसरा कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू होती है ना वो भी डिस्ट्रॉय होती है। तो उसको स्ट्रेच करने के लिए जो मेहनत लगती थी ना वो थोड़ी कम हो जाती है और लंग्स का डिस्टेंसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में एम्फाइसेमा में कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है ओके। और डिक्रीज कॉम्प्लायंस वाली भी कंडीशन है जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी कम हो जाती है लंग्स की, तो वो है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये सारी कंडीशन। इनमें फाइब्रोसिस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है तो आपने फाइब्रोसिस ठीक से पढ़ा होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, दो लाइन में बता रहा हूं सुनो। एनी पैरेन्काइमल टिश्यू इफ इट इज डिस्ट्रॉयड एंड इट गेट्स रिप्लेस विद अ फाइब्रस टिश्यू तो उसको कहते हैं फाइब्रोसिस ओके। जैसे हमारा स्कार फॉर्म होता है ना, स्कार फॉर्मेशन, तो फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस क्या होता है वो कम स्ट्रेचेबल हो जाता है फिर लंग्स, और इसलिए कॉम्प्लायंस जो है वो कम हो जाता है। तो चलिए ये था कॉम्प्लायंस, अब आते हैं बड़े टॉपिक की तरफ। तो पानी वानी पी के आ जाओ, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पे आ रहे हम लोग ओके। चलिए अब सुनते जाओ बाय हार्ट करते जाओ, हाई यील्ड टॉपिक है, कल एग्जाम में आया या 10 दिन के बाद भी आया आपको ये सब याद आना चाहिए ओके। चलो तो लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ओके मैं बताऊंगा आपको याद कैसे रखना है और क्या क्या वॉल्यूम्स कैपेसिटीज है। तो रेडी, मैं भी एक पानी का सिप लेके आता हूं। मिस्टर अच्छा आगे कुछ लिखा नहीं है, एम्फाइसेमा इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज, यस सीओपीडी जो होता है ना में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से आगे चल के एम्फाइसेमा हो सकता है ओके। तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी आप पैथोलॉजी में सेकेंड ईयर में पढ़ लेना कि क्यों ऐसा होता है ओवर डिस्टेंशन वगैरह, यू कैन रीड इट इन द सेकेंड ईयर। तो चलो मैं भी एक पानी का सिप लेके आता हूँ, ओनली 10 seconds नॉट मोर, जस्ट वेट फॉर 10 seconds। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, और उसके बाद मुझे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी लेना है तो बड़े टॉपिक्स हो जाएंगे कम। तो व्हाट आर लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, दे आर द वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ एयर दैट वी इंस्पायर और एक्सहेल आउट एक्सपायर आउट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, यानी क्वाइट ब्रीदिंग, फोर्सफुल एटसेट्रा ओके। तो चलो देर आर फोर वॉल्यूम, अरे उसके पहले तो कैसे मेजर करते हैं, कोई कोई यूनिवर्सिटीज में ना ये पूछा जाता है कि कैसे मेजर करते हैं। तो देखो कैसे मेजर करते हैं, द प्रोसीजर इज कॉल्ड एज स्पायरोमेट्री एंड इंस्ट्रूमेंट का नाम है हचिसन स्पायरोमीटर।
हचिसन्स पायरोमीटर, ओके। एंड क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है कि ये प्रोसीजर भी लिखो, तो मैं आपको क्विकली बता रहा हूं ये प्रोसीजर। गौर करो, एक कंटेनर है, दिस कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर, ओके। और इस कंटेनर के अंदर एक ऐसा इन्वर्टेड सिलेंडर है, इन्वर्टेड सिलेंडर, ऐसा उल्टा, और उसको ऐसी चेन और पुली अरेंजमेंट है। तो ये चेन और पुली अरेंजमेंट, ओके, हो गया। एंड माउथ पीस, एक रबर ट्यूबिंग और माउथ। तो बेसिकली आइडिया ये है, एंड आई एम श्योर कि आपने ये देखा है और आपको पता है ये क्या है। आइडिया ये है कि यू आर ब्रीदिंग इन टू द स्पायरोमीटर, ब्रीद इन ब्रीद आउट इन टू द स्पायरोमीटर, ठीक है। तो आप ये माउथ पीस के थ्रू यहां एयर डालोगे, एक्सपिरेशन करोगे, इस तरीके से होगा। अच्छा, गौर करो इस बात पे, आप जब इसमें एयर ब्रीद इन करोगे, एयर डालोगे अंदर, तो क्योंकि ये पानी से भरा हुआ है और उसमें यह इन्वर्टेड सिलेंडर फ्लोट हो रहा है, तो आप जितना एयर अंदर डालोगे ना, से ये फ्लोट होगा, ऊपर होगा। वो कुछ प्रिंसिपल है ना फिजिक्स का, बायोन्सी या जो भी है, जो भी प्रिंसिपल है वो छोड़ो, ये ऐसा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ऐसे चलेगा वो, ठीक है। अब इसको हम एक राइटिंग लेवल लगा, क्या हो गया, हाँ, तो इसको हम एक राइटिंग लेवर अटैच करेंगे ऐसे, ओके। और ये राइटिंग लेवर ना लिखने वाला है रिवॉल्विंग ड्रम के ऊपर, ये ड्रम है। तो गौर करो कि अगर आपने 500 ml एयर अंदर डाली, तो ये राइटिंग लेवर इतने से ऊपर जाएगा, अगर आपने 1000 ml एयर अंदर डाली इस कंटेनर में, तो राइटिंग लेवर डबल से ऊपर जाएगा, ओके। तो जितना वॉल्यूम आप इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो, उसके प्रपोर्शन में ये राइटिंग लेवल ऊपर और नीचे हो रहा है। ये बात समझ में आ गई है? अच्छा। रिवॉल्विंग ड्रम जो है, ये ड्रम अभी स्टेशनरी है, जब ये स्लोली रिवॉल्व करेगा ना, तो ये ऊपर नीचे वाली मूवमेंट है ना, तो ऐसे नजर आएगी आपको, स्टेशन एक्सपीरेशन स्टेशन एक्सपीरेशन, ऐसे नजर आएगी। तो ये देता है अपने को ग्राफ, जिसका नाम है स्पायरोग्राम, ओके। तो लेट्स स्टार्ट स्पायरोग्राम। लेकिन आपको समझ में आया ना, इंस्पिरेशन द राइटिंग लेवल गोज अप, एक्सपिरेशन द राइटिंग लेवल कम्स डाउन। तो ऊपर इंस्पिरेशन, नीचे एक्सपिरेशन। चलिए, चार वॉल्यूम्स और चार कैपेसिटी, देर आर फोर लंग वॉल्यूम्स एंड फोर कैपेसिटी। लेट्स स्टार्ट विद द वॉल्यूम्स। पहला टाइडल वॉल्यूम, और ये तो अभी आपको नींद में भी आना चाहिए, 500 ml, 500, मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताया कि ये 500 कैसे है। और मेरा आपसे नम्र निवेदन है सबसे, कि ग्राफ में देख के ही ये समझो, तो जल्दी बाय हार्ट हो जाएगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा, ओके। ग्राफ में ही देखो और उधर ही समझने की कोशिश करो कि कितना है और कौन सा है, ओके। चलो, तो टाइडल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी इंस्पायर और एक्सपायर विथ नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। तो ये देखो, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, 500 ml इंस्पायर किया, 500 ml एक्सपायर किया, 500 ml इंस्पायर किया, 500 ml एक्सपायर किया, फायर एक्सपायर। सो दिस इज द टाइडल वॉल्यूम, ओके। 500 फायर, 500 एक्सपायर, इंस्पायर एक्सपायर, इंस्पायर एक्सपायर, लाइक दैट। नेक्स्ट, अब गौर करो, ये था क्वाइट ब्रीदिंग का, 500 हमने इंस्पायर करते हैं, 500 एक्सपायर आउट करते हैं। अब एक रिजर्व है इंस्पिरेशन की तरफ और एक रिजर्व है एक्सपिरेशन की तरफ। देखो ना, हम क्वाइट इंस्पायर करते हैं 500 ml,
और फिर क्वाइटली एक्सपायर करते हैं 500 ml के। लेकिन रिजर्व्स है हमारे, एक इंस्पिरेशन का रिजर्व, एक एक्सपिरेशन का रिजर्व, तो वो चेक करो कैसे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, इंस्पिरेशन का रिजर्व, द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन मैक्सिमली इंस्पायर ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम, ओवर एंड अबव द टाइडल इंस्पिरेशन। यानी हमने टाइडल इंस्पिरेशन किया, क्वाइट इंस्पिरेशन, तो उसके ऊपर कितना हम फोर्सफुली भी इंस्पायर कर सकते हैं, इसके ऊपर तो अवॉइड कंफ्यूजन में फिलहाल एक ही साइड दिखा रहा हूं, ये इतना ओके। तो ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एरो से दिखा रहा हूं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और होता कितना है 3000। ओके देन तो फिर हम उसको एक्सपायर भी करेंगे आपको नहीं। नेक्स्ट, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे इंस्पिरेशन के रिजर्व है वैसा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml, द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन फोर्सफुली ब्रीद आउट बियॉन्ड क्वाइट एक्सपिरेशन। देखो नाम में ही लिखा हुआ है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेशन का रिजर्व, तो देखो ने क्वाइट इंस्पिरेशन किया, क्वाइट एक्सपिरेशन किया, क्वाइट एक्सपिरेशन यहां खत्म हुआ, क्वाइट एक्सपिरेशन वहां खत्म हुआ उस लाइन पे, फिर उसके बियॉन्ड आप कितनी एयर फोर्सफुली एक्सपायर आउट कर सकते हो गया आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके यहां पे क्या क्वाइट एक्सपिरेशन, यहां पे आ गया ये वाला पार्ट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो होता है 1100 ml। एंड लास्ट वन इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम, देखो नाम में ही लिखा है रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल मतलब क्या, सब कुछ एक्ट हो जाने के बाद जो रिमेनिंग बचा होता है उसको रेसिड्यूअल कहते हैं। ओके तो द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन, वो है हमारा रेसिड्यूअल वॉल्यूम, पूरा मैक्सिमल एक्सपायरेशन करने के बाद भी थोड़ी एयर लंग्स में बची हुई रहती है हमेशा, वो कभी बाहर नहीं आती, तो उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये आपका मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन यहाँ खत्म हो रहा है, उसके बियॉन्ड जो एयर लंग्स में बचती है तो कभी बाहर नहीं आ सकती, उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, वाली है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ग्राफ में देखने से आपको समझ में आ गया, एक टाइडल इंस्पिरेशन और टाइडल एक्सपिरेशन है, तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम कह रहे हैं, फिर उसके बाद इंस्पिरेशन का रिजर्व और एक्सपिरेशन का रिजर्व, और फिर मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद भी जो बचता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट, अब देखते हैं कैपेसिटीज, देयर आर 4 कैपेसिटीज, तो ग्राफ में ही देखते रहो कैपेसिटीज तो आपको याद आ जाएगा। पहली है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, चलो अब मैं ना आपकी तरफ देखूंगा, आप मुझे बताओ शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताओ कि आप कौन कौन से वॉल्यूम इसमें इंक्लूड करोगे। ओके, कैपेसिटीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर वॉल्यूम्स, तो चलो पहली है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन इंस्पायर इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो आप मुझे बताओ शॉर्ट फॉर्म कि आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे, और ग्राफ में भी देख के भी बता सकते हो। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, नॉक नॉक, एनीबडी होम, एनीबडी लिसनिंग, कोई है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है हमारी ये बताओ, या उसमें क्या क्या इंक्लूड करने वाले हो आप वो बताओ, कुछ भी चलेगा। लक्षणा, सनी, सनी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, आप सब आंसर्स करेक्ट दे रहे हो। मिस्टर, सिर्फ मिस्टर है तो मैं मिस्टर ही बुलाऊंगा, उन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है।
सनी ने नंबर भी दिया कितनी होती है, तो यस वेरी गुड। अरे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन इंस्पायर। तो देखो ना, क्वाइट ब्रीदिंग में हम टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं, और फोर्सफुल इंस्पिरेशन में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों मिला के टोटल हम इतना इंस्पायर कर सकते हैं ना, तो वो हो गई हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। चलो अब थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, हालांकि आपने बाय हार्ट किया हुआ है मैं जानता हूं, तो इसलिए आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, अब गौर से सुनो, इसमें ऑपरेटिव वर्ड है रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल मतलब रिमेनिंग, एफआरसी मतलब द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर क्वाइट एक्सपीरेशन, एट द एंड ऑफ क्वाइट एक्सपीरेशन। तो ग्राफ में देखो क्वाइट एक्सपीरेशन कहाँ खत्म हो रहा है, उसके बाद जो भी बचता है उसको कहते हैं फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। तो क्या क्या आएगा उसमें, क्या दिस टाइम प्रथमेश वॉज वेरी क्विक, प्रथमेश देशमुख यू आर वेरी क्विक टू आंसर द क्वेश्चन। ईआरवी प्लस आरवी, मिस्टर ने भी आंसर दिया है, सनी ने भी आंसर दिया है। यस, आपका आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छी हुई है, बाय हार्ट एड टॉपिक्स। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी। ग्राफ में देखो तो आप इजी कर सकते हो इस बात को, देखो ये आपका क्वाइट इंस्पिरेशन, ये आपका क्वाइट एक्सपिरेशन। क्वाइट एक्सपीरेशन खत्म होने पर लंग्स में जो बचता है उसे कहते हैं फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। ओके, तो क्या क्या बचा, देखो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचा क्योंकि वो आपने बाहर निकाला ही नहीं ना, और रेसिड्यूअल वॉल्यूम बचा क्योंकि वो तो हमेशा ही बचने वाला है। तो ये दो मिला के बनती है हमारी फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। एक बात बताता हूँ, ये लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। रेओ, सनी, मिस्टर प्रथमेश, ये सब लोग सुनो एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, ये लाइन लिखो उसको डबल अंडरलाइन करो ना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। वो क्या है, वो ये है, व्हेन द लंग्स आर एट एफआरसी द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। लिख लोगे, व्हेन द लंग्स आर एट एफआरसी The respiratory system is in equilibrium position. Why? Because at FRC, मतलब कि at the end of quiet expiration, lungs के ऊपर का inward pull और thoracic cage का outward tendency, these forces are equal but opposite, and they cancel out each other, and respiratory system is said to be in equilibrium position. तो याद रख सकते हो, अगर कल को किसी ने पूछा व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द आंसर शुड बी व्हेन द लंग्स आर एट एफआरसी। ओके, जब लंग्स यहां पे है दैट इज दे आर एट एफआरसी। ओके, एट द एंड ऑफ क्वाइट एक्सपीरेशन आप यहां हो, हम कहते हैं लंग्स आर एट एफआरसी। ओके, चलो तीसरी कैपेसिटी है वाइटल कैपेसिटी। तीसरी कैपेसिटी है वाइटल कैपेसिटी। इसमें ना मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों का काफी कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन रहता है। अच्छा सॉरी, आपको बच्चे बोल दिया चलेगा ना, बच्चों का मतलब आप लोगों को बच्चे बोल दिया। मैंने एक बार फेस टू फेस क्लास में बोला था, अरे बच्चे बहुत गलत समझते हैं वगैरह, ऐसा कुछ तो बोल दिया, और फिर बोला सॉरी आपको बच्चे बोल दिया, तो सामने से सब लोग बोले बच्चे ही है सर हम। अच्छा ठीक है, बच्चे ही है। चलो तो वाइटल कैपेसिटी, इसमें सॉलिड कंफ्यूजन देखा है मैंने, तो सुनो डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन मैक्सिमली ब्रीद आउट आफ्टर फर्स्ट मैक्सिमली ब्रीदिंग इन। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं आप क्या क्या इंक्लूड करना है वो बताओ। फर्स्ट वी मैक्सिमली ब्रीद इन, उसके बाद जितनी भी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं वो बनती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। ओके,
तो द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी एक्सपायर आउट मैक्सिमली, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या, वी फर्स्ट इंस्पायर मैक्सिमली. तो क्या क्या आएगा, यस प्रथमेश मिस्टर ने प्लीज टेल क्लोजिंग वॉल्यूम कहा है, तो यस आई विल आंसर दैट क्वेश्चन. प्रथमेश यू आर राइट, वाइटल कैपेसिटी में आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी. मैं थोड़ा टाइम लेके इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं हमेशा वाइटल कैपेसिटी में. तो पहले लिख लो आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, करेक्ट. मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें टाइडल वॉल्यूम दो बार नहीं आना चाहिए, ऐसा पूछते हैं स्टूडेंट. नहीं बाबा, का मतलब आपने वो कॉन्सेप्ट गलत ले लिया है, दो बार वगैरह नहीं आना चाहिए टाइडल वॉल्यूम. देखो आपने डेफिनेशन बाय हार्ट किया, उस वक्त आपने क्या बाय हार्ट किया, द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू एक्सपायर आउट मैक्सिमली आफ्टर फर्स्ट इंस्पायरिंग मैक्सिमली. तो आप लोग क्या सोचते हो ग्राफ में कि आपने टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर किया और फिर एक्सपायर करते वक्त इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फिर टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम दो बार आना चाहिए क्या, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते. नहीं, जिनको भी ऐसा लगा होगा उनके लिए कह रहा हूं, नहीं. सुनो अरे भाई, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सपायर्ड वॉल्यूम की, लेकिन उस एक्सपायर्ड वॉल्यूम को निकालने से पहले वी विल इंस्पायर मैक्सिमली. तो इंस्पायर मैक्सिमली को गिनो मत, सिर्फ इंस्पायर कर लो और फिर जब एक्सपिरेशन स्टार्ट करने का ना तब गिनना शुरू करना है आपको. ओके बात समझ में आ गई. तो अब सुनो, तो हम इंस्पायर करेंगे मैक्सिमली, तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम यहां पहुंचे. अब इसके बाद आपको गिनना शुरू करना है, जो भी एयर आप एक्सपायर आउट करोगे तो वो गिनना है आपको. तो क्या क्या एक्सपिरेशन करोगे, पहले निकालोगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, के बाद टाइडल वॉल्यूम, के बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल सकते हो ना, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हो तो वो भी निकाल दोगे. तो ये तीन मिला के बना हमारी वाइटल कैपेसिटी. अब एक और अहम बात बताने जा रहा हूँ, तनी प्रथमेश स्मरण्या मिस्टर और ये जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं लक्षणा, तो गौर से सुनो इस बात को. वाइटल कैपेसिटी हमारी किस चीज को दर्शाती है पता है हमारी वाइटल कैपेसिटी इंडिकेट्स आवर डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स, आवर कैपेसिटी टू स्ट्रेच द थोरैसिक केज एंड डिस्टेंड द लंग्स. यू नो मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पहले मैक्सिमली इंस्पायर करना पड़ता है, उसके बाद तो एयर आप एक्सपायर आउट करते हो उसे मेजर कर रहे हो, उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं. तो वाइटल कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड आउट फोर्सफुली, लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या था, पहले यू इंस्पायर मैक्सिमली. और इंस्पायर मैक्सिमली के लिए क्या करना पड़ता है, थोरैसिक केज और लंग्स को डिस्टेंड करना पड़ता है. ओके समझ रहे हो बात को, और इसलिए मैं एक बहुत अहम स्टेटमेंट मारने जा रहा हूं, लिख के लो, डबल अंडरलाइन करो, छाप लो, दिमाग में रखो. क्या है वो, वाइटल कैपेसिटी डिक्रीजेस इन द डिसीजेस कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस. क्यों, क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस में देर इज रेस्ट्रिक्शन टू द एक्सपांशन ऑफ द लंग्स, देर इज रेस्ट्रिक्शन टू द एक्सपांशन ऑफ द थोरैसिक केज, और इसलिए ऐसे सारे डिसीजेस में वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है. ओके तो ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, इसके लिए मैंने आपको ये बताया कि वाइटल कैपेसिटी हालांकि वो एक्सपायर्ड एयर का ही वॉल्यूम हम मेजर करते हैं, लेकिन उसे करने से पहले हमको मैक्सिमली इंस्पायर करना पड़ता है, यानी लंग्स और थोरैसिक केज को मैक्सिमली डिस्टेंड करना पड़ता है पहले, ये ध्यान में रखना. चलो लास्ट जो है वो है टोटल लंग कैपेसिटी एडिशन ऑफ ऑल फोर वॉल्यूम्स. हो गई हमारी टोटल लंग कैपेसिटी.
आईआरवी प्लस पीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, चारों वॉल्यूम्स मिला के बनती है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, तो ये हो गया लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। अब मिस्टर इस आईडी ने जो सवाल पूछा था, व्हाट इज क्लोजिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ना मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता है कभी भी कोई डाउट पूछता है, तो अगर ये डाउट आंसर नहीं किया तो लगेगा मेरे को आ ही नहीं रहा आंसर, ऐसा लग ना जाए इसके लिए बताना मुझे ज़रूरी लग जाता है। और इसलिए क्लोजिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग्स जो डाउट पूछी है वो सुनो क्या है, गौर से सुनो आप, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली बात, ये स्पायरोग्राम आपका रेडी हो गया, अब इस स्पायरोग्राम को मैं लेबल करने जा रहा हूं, उसे भी समझो। आई विल लेबल द स्पायरोग्राम, लेबल तो किया हुआ है लेकिन और थोड़ा अच्छे से बता रहा हूं। अरे इसमें जूम का ऑप्शन, हाँ ओके, तो अब सुनो, मैं इसको लेबल करने जा रहा हूं और मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने भी जा रहा हूं, ये वाइवा में काम आएंगे आपको। व्हेन यू इंस्पायर मैक्सिमली, सुन रहे हो ना, सुनो, व्हेन यू इंस्पायर मैक्सिमली, ये यहां पहुंचे आप एंड यू रीच दिस पॉइंट, तो यू से The lungs are at, lungs are at the lung capacity. तो ये जो लाइन है ना, ये टोटल लंग कैपेसिटी की लाइन है। क्यों? सीधी सी बात है, when you inspire maximally, inspire maximally और आप यहां पहुंचे, इसका मतलब लंग्स में चारों वॉल्यूम्स मौजूद है उस वक्त, और चारों वॉल्यूम्स मौजूद है मतलब लंग्स आर एट टोटल लंग कैपेसिटी, चारों वॉल्यूम्स का एडिशन ना। ओके, दूसरी बात, व्हेन यू एक्सपायर मैक्सिमली, आप एक्सपायर आउट करते हो मैक्सिमली, तो एक्सपायर आउट एक्सपायर आउट एक्सपायर आउट एक्सपायर आउट यहां पहुंचे, ये लाइन जो है ना, जब आप यहां पहुंचते हो तो कहा जाता है द लंग्स आर एट रेसिड्यूअल वॉल्यूम, लंग्स में जो बचा है ना उसको तो कहा जाता है लंग्स आर एट। So when you expire out maximally, you reach this line. The lungs are at residual volume. यानी lungs में सिर्फ residual volume बचा हुआ है। तीसरा point. When you expire out quietly. Okay. When you expire out quietly. The lungs are at. आप type करके मुझे बता सकते हो, तब तक मैं graph में बताता हूँ. When you expire quietly. The lungs are at what? Come on, tell me. कोई है? कोई है? When you expire out quietly, मैं फिर से कह रहा हूं, ग्राफ में देखो ना, expire quietly जब खत्म हो रहा है तो कहां है, कहां होता है ग्राफ? Yes, Smaranya, you are right. Sunny, you are right. Lakshna, you are right. The lungs are at FRC. Correct. ये लाइन जो है ना, वो कहते हैं FRC. At the end of quiet expiration, lungs are at FRC. Functional residual capacity. Lungs में सिर्फ बचता है ERV और RV. At the end of quiet expiration. तो यहां तक समझ में आ गया? अब मैं बताने जा रहा हूं व्हाट इज क्लोजिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। नॉर्मली ये पढ़ाया नहीं जाता कॉलेज में क्योंकि, लेकिन मिस्टर ने पूछा है तो यस मिरेकल, एफआरसी लिखा है ना, हाँ एफआरसी, यस करेक्ट। तो अब मैं बताने जा रहा हूं व्हाट इज क्लोजिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। सुनो, क्लोजिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इज डिफाइंड एज starting from the TLC and expiring out, that level at which or that volume at which airways near the base of the lung begin to close is called as
क्लोजिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग. ठीक है, मैं फिर से तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, के चार पांच लाइन की डेफिनेशन है, तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, सुनो. स्टार्टिंग फ्रॉम टीएलसी एंड एक्सपायरिंग आउट. आप एक्सपायर कर रहे हो, 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 नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो. दैट वॉल्यूम एट विच द एयरवेज नियर द बेस ऑफ द लंग बिगिन टू क्लोज, उसको कहते हैं क्लोजिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग. तो सबसे पहले एक बात मुझे आपको बतानी है, वो ये कि जब आप एक्सपीरेशन स्टार्ट करते हो ना, एक्सपीरेशन फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हो, तो थोरैसिक केज कॉम्प्रेस करता है लंग्स को, प्लस लंग्स का अपना इलास्टिक रिकॉइल, वजह से ना एयरवेज बिगिन टू क्लोज. और सबसे पहले एयरवेज नियर द बेस ऑफ द लंग विल बिगिन टू क्लोज. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर लंग्स की ग्रेविटी का, लंग्स के वेट का असर भी है ना, वो सबसे पहले क्लोज होना शुरू होते हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपीरेशन. और एंड दैट वॉल्यूम एट विच एयरवेज नियर द बेस ऑफ द लंग बिगिन टू क्लोज इज कॉल्ड एज क्लोजिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग. तो कैसे करते हैं और कहां होता है ग्राफ में, उतना बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देखो, सबसे पहले वी इंस्पायर मैक्सिमली, वी विल रीच टीएलसी. हम इंस्पायर मैक्सिमली करते हैं तो ये पहुंचे यहां पर. अब यहां से हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन स्टार्ट करते हैं, तो ये चालू किया फोर्सफुल एक्सपीरेशन, आ रहे नीचे आ रहे, 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 जस्ट अबव द रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम पहुंचते से जस्ट पहले, यानी यहां पे ये होता है कि एयरवेज नियर द बेस ऑफ द लंग बिगिन टू क्लोज. ओके, एयरवेज नियर द बेस ऑफ द लंग दे बिगिन टू क्लोज. तो ये हो गया आपका क्लोजिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग. ठीक है, तो दैट इज क्लोजिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग. और उसके बियॉन्ड अगर आप फोर्सफुल एक्सप्रेशन करते हो ना, तो रेसिडुअल वॉल्यूम पहुंच जाता है, के बाद तो आगे एक्सपीरेशन पॉसिबल ही नहीं हो. रेसिडुअल वॉल्यूम पहुंच गए, उसके बियॉन्ड तो एक्सपीरेशन पॉसिबल भी नहीं. ओके, तो मतलब मोस्ट ऑफ द एयरवेज हैव क्लोज एंड फर्दर एक्सपीरेशन इज नॉट पॉसिबल. तो ये सवाल पूछा था, किसने पूछा था ये सवाल? आई थिंक ठीक है, किसी ने पूछा था. ओके, मिस्टर ने पूछा था, बट आपको समझ में आ गया ना. चलो तो आगे बढ़ते हैं. देखो मैंने टाइम लेके इसको सबको एक्सप्लेन किया क्योंकि ये जरूरी था. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. विच वॉल्यूम और कैपेसिटी कैनॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री. आपको पता ही है, आप लिख सकते हो, मैं देखूंगा तभी तक. The volumes that cannot be measured by spirometry. ये भी लिखना होता है आपको, cannot be measured by spirometry. और वो है residual volume. क्योंकि ये बाहर आता ही नहीं ना, अगर ये बाहर आती ही नहीं residual volume, ये अंदर ही रहती है. तो बाहर ही नहीं आएगी तो स्पायरोमीटर में जाएगी नहीं, स्पायरोमीटर में जाएगी नहीं तो हम गिनेंगे कैसे. तो रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री. और यस लक्षणा, विग्नेश, यू आर ऑल राइट, करेक्ट. बेसिकली हम रेसिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, और इसी वजह से रेसिडुअल वॉल्यूम जिस जिस में है ना वो सब मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि एफआरसी एंड ऑल्सो टीएलसी, इन सब में रेसिडुअल वॉल्यूम है. लेकिन अगर आपको एमसीक्यू आ जाए और एक ही आंसर लिखना हो तो गो विथ रेसिडुअल वॉल्यूम, बिकॉज यू नो वी आर एक्चुअली मेजरिंग ओनली फोर वॉल्यूम्स, आई मीन वी आर एक्चुअली मेजरिंग वॉल्यूम्स, नॉट फोर, ओनली वॉल्यूम्स. कैपेसिटीज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द वॉल्यूम्स. ओके, और इसलिए वॉट कैनॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री ऐसा अगर आ जाए तो सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम लिखा करो. हालांकि आप लोगों ने लिखा है वो सब सही है कि रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा तो एफआरसी और टीएलसी भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम है ना. करेक्ट, यू आर राइट, बट
by spirometry we are measuring volumes and then we calculate capacities from those volumes. So isliye measuring samajh gaya na. Okay, and to measure the residual volume ye by heart karna hoga aapko. There are two methods. एक है हीलियम डाइल्यूशन मेथड, दूसरा है नाइट्रोजन वॉश आउट मेथड. हीलियम डाइल्यूशन मेथड, नाइट्रोजन वॉश आउट मेथड. अभी एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है विवेक सर फिजियोलॉजी, उसमें एक एक घंटा लेके मैंने एक एक मेथड को डिस्क्राइब किया है ये कैसे करते हैं. तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि एग्जाम अभी नहीं हो कुछ दिनों में, तो आप वो वीडियो देख सकते. चलो, तो ये हो गया ये चैप्टर. अगला चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सो वी विल टेक दैट क्वेश्चन. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ओके, तो सबसे पहले तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर अप टू ब्लड. हम इंस्पायर करते हैं, फिर वो डेड स्पेस में से होते हुए ऑक्सीजन अल्वियोलाई तक पहुंचता है और फिर वहां से अल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज होता है. ये पहला पार्ट होगा. और फिर दूसरा पार्ट होगा ट्रांसपोर्ट इन ब्लड अप टू टिश्यूज. तो अगर मेरी यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट अटेंड कर रहा है उसको मैं बता दूं ये बात, नोट्स में यहां से शुरुआत किया है आंसर, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, आपको आंसर यहां से शुरू करना है, ये मत लिखो. ओके, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो आगे पीछे ऊपर नीचे का सब लिख देते हैं, मतलब एज इफ की एग्जामिनर को बोल रहे हैं इसमें से जो चाहिए वो ले लो. ऐसा मत कर किया करो यार, जितना पूछा है उतना ही लिखो आंसर में. ओके, वो लक्ष्मण जैसा मत बनो ना, मतलब कि उन्होंने लाया था ना कि अब भूल गए नाम, तो चलो सभी लेके आए, तो वैसे जो चुनना है करेक्ट जो सिलेक्ट करना है वो करो, ऐसा एग्जाम में नहीं चलेगा. ओके, एग्जाम में तो जितना स्पेसिफिक मांगा है उतना आंसर लिखने पर मार्क्स मिल. ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट. चाहते हाँ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड. सबसे पहला पार्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर अप टू द ब्लड. ये थोड़ा फास्ट बताऊंगा कि वो जनरली लिखना नहीं होता है. तो PO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर, PO2 ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर. ओके, देखो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है 760, इसका 20% ऑक्सीजन होता है, तो PO2 विल बी 20% ऑफ 760, दैट इज 159 mm ऑफ. ओके, दूसरा पॉइंट PO2 इन द डेड स्पेस. देखो हमने ये एयर इंस्पायर किया तो ऑक्सीजन अब डेड स्पेस में गया, यहां पे देयर इज ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर. ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर मतलब एडिशन ऑफ वॉटर वेपर, दैट इज H2O. और उस वजह से PO2 यहां आने के बाद, डेड स्पेस में आने के बाद, उसका ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है. तो PO2 इन द डेड स्पेस एयर 159 से कम होके होता है 149 mm ऑफ एयर. ओके, फिर थर्ड पॉइंट, ये एयर स्पेस से होते हुए ऑक्सीजन रीच द अल्वियोलस, तो अल्वियोलस में PO2 कितना होता है,
अल्वियोलर PO2 और कम होके वो बनता है 104 mm ऑफ एयर, यहाँ था 149, यहाँ आते आते 104, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ PO2 कम हो जाता है। और चौथा पॉइंट है PO2 ऑफ द आर्टेरियल ब्लड। तो देखो ऑक्सीजन जो है अल्वियोलस से ब्लड में डिफ्यूज हो गया और ये ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड हो गया और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जाएगा और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में पंप आउट किया जाएगा। तो आर्टेरियल ब्लड में PO2 कितना होता है? आई एम राइटिंग हियर PO2 इन द आर्टेरियल ब्लड इज 95 mm of Hg, 104 से घट के 95 तक आ जाता है। तो आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए इस आंसर का, PO2 इन द आर्टेरियल ब्लड 95 mm of Hg। अब यहां से आपका रियल आंसर शुरू होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन आर्टेरियल ब्लड। भाई ये ऑक्सीजन इंस्पायर किया हुआ ब्लड तक पहुंचा और अब आर्टेरियल ब्लड में अब ये आगे ट्रांसपोर्ट होगा अप टू द टिश्यू। तो ये कैसे होगा, ये आंसर का मेन पार्ट है। चलो तो ओके। अरे आयुष ने अभी यस सर लिखा है, वो किस चीज के लिए? आयुष बहुत देर से आप दिखे नहीं, वैसे आयुष आंसर्स वेरी वेल। तो मैं चलो अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड का आंसर आ रहा है, आर यू लिसनिंग? चलो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, यानी ये ब्लड में टिश्यूज तक कैसे जाता है? पहला पॉइंट दो तरीके से जाता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, आर्टेरियल ब्लड में दो तरीके से जाता है। टोटल ट्रांसपोर्ट में से 97% ट्रांसपोर्ट ऑकर्स ऑफ इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, आरबीसीज के अंदर जाके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और फिर ट्रांसपोर्ट होता है। और 3% ट्रांसपोर्ट होता है फ्री यानी प्लाज्मा में डिजोल्व होके ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, तो फ्री मतलब के डिजोल्व इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा वाटर में डिजोल्व होके। ओके, ये पहला पॉइंट हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम दोनों चीजें एक एक करके देखेंगे कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और फिर ये कैसे ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट लेट्स सी हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द फ्री फॉर्म, नॉट कंबाइंड विद एनीथिंग, जस्ट डिजॉल्व इन द प्लाज्मा वाटर एंड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, वो बताने के पहले आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाह रहा हूं। ओके, तो गौर से सुनो। ओके, गौर से सुनो, कॉन्सेप्ट है, सुनो। उस कॉन्सेप्ट ये है कि PO2 इन द ब्लड, PO2 इन द ब्लड इज एक्सर्टेड बाय दैट गैस विच इज फ्री एंड नॉट बाय दैट गैस इज कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन। फिर से सुनो, कोई भी गैस प्रेशर कब एक्सर्ट कर पाता है? जब वो फ्री है तब। जो गैस किसी चीज के साथ कंबाइन हुआ है वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएगा, और इसलिए आर्टेरियल ब्लड में या किसी भी ब्लड में PO2 is exerted by that oxygen is free and not that oxygen which is combined with hemoglobin। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि वजह है, सुनो। हाइपोक्सिया में एक टाइप का हाइपोक्सिया है, अनिमिक हाइपोक्सिया, याद है आपको, पढ़ा है आपने। अनिमिक हाइपोक्सिया मतलब क्या? इसमें वो ऑक्सीजन कम होता है तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हुआ है, वो ऑक्सीजन कम होने पर अनीमिक हाइपोक्सिया होता है। लेकिन उस हाइपोक्सिया के टाइप में
PO2 remains normal. PO2 does not decrease. गौर से सुनो, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन कम हो जाता है बॉडी में, टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलता है तो PO2 भी कम होता है जनरली स्पीकिंग. पर अनीमिक हाइपोक्सिया में PO2 remains normal. It does not decrease. Why? कि अनीमिक हाइपोक्सिया में वो ऑक्सीजन कंबाइन, वो ऑक्सीजन कम होता है तो Hb के साथ कंबाइन हुआ था, लेकिन वो ऑक्सीजन तो पहले से ही PO2 एग्जर्ट नहीं कर रहा था ना, तो उसके कम होने से PO2 कम नहीं होगा और इसलिए PO2 remains normal. In which of the following? आपका आंसर होना चाहिए अनीमिक हाइपोक्सिया. जस्ट एक बता दिया कोरिलेट करने. चलिए अब इस एक 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 करके दोनों जो है फॉर्म्स वो देख लेते हैं. पहले डिसॉल्व वाला, डिसॉल्व O2 कंटेंट कितना होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं. डिसॉल्व O2 इज इक्वल टू PO2 इनटू सोल्युबिलिटी कोएफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन. डिसॉल्व O2 कंटेंट इज इक्वल टू PO2 इनटू सोल्युबिलिटी कोएफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन. ठीक है, और सोल्युबिलिटी कोएफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन है 0.003 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड पर mm ऑफ Hg ऑफ PO2. दिस इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी कोएफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन. आपको बाय ऐड करना होगा और अभी क्या, अभी बाय ऐड करना होगा. फॉर एवरी 1 mm ऑफ Hg ऑफ PO2 100 ml प्लाज्मा में 0.003 ml इतना ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है. ओके, तो PO2 अगर 2 mm Hg होगा तो 100 ml प्लाज्मा में कितना डिसॉल्व होगा, 0.006 ml. PO2 अगर 3 mm Hg होगा तो 100 ml प्लाज्मा में कितना डिसॉल्व होगा, 0.009 ml. समझ रहे हो, ये है इसका मीनिंग, सोल्युबिलिटी कोएफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन. तो अगर आपको PO2 पता है, जैसे नॉर्मली 95 टू 100 है ना PO2, PO2 इनटू दिस, तो जनरली अगर आप ये करो तो अबाउट 0.3 टू 0.4 ml ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन एवरी 100 ml ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, तो हमारे नॉर्मल आर्टेरियल प्लाज्मा में 0.3 टू 0.4 ml इतना ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है 100 ml प्लाज्मा में. तो ये पहला हो गया. दूसरा, ऑक्सीजन कंबाइंड एंड कैरीड ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन. दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय Hb. तो यहां पे है, हम ये वर्ड देखेंगे आपके आंसर में है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस आंसर का. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड. गौर करो, आपको Hb का प्रैक्टिकल है ना, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का प्रैक्टिकल है, उसमें भी ये पूछते हैं टेबल पे व्हाट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, और यहां पर भी लिखना होता है. तो लिखो, बाय हार्ट करो, एवरी 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन carries 1.34 ml of oxygen when hemoglobin is fully saturated means 97% saturated. When Hb is fully saturated with oxygen, and fully saturated matlab हीमोग्लोबिन का मैक्सिमम सैचुरेशन विद ऑक्सीजन कैन बी ओनली अप टू 97%. और ये तो आपको पता ही है, कैसा क्यों ऊपर वाला 97 अलग था, ये अलग 97 है. ये क्या है कि हीमोग्लोबिन है, एक बस है सपोज, ओके, उस बस में 100 सीटें हैं, लेकिन 3 सीटें टूटी हुई है सपोज, तो मैक्सिमम वो बस कितनी भर सकती है, 97 ही सीट्स भर सकती है ना.
ये वो है कि भाई हीमोग्लोबिन जो है ना उसके कुछ फॉर्म्स है जैसे सल्फ हीमोग्लोबिन मेट हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते, इसलिए हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन विद ऑक्सीजन कैन बी मैक्सिमली ओनली अप टू 97%, क्योंकि वो बचा हुआ हीमोग्लोबिन है ना वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को टेकअप नहीं कर सकता, जैसे सल्फ हीमोग्लोबिन मेट हीमोग्लोबिन एटसेट्रा। तो जब हीमोग्लोबिन इज मैक्सिमली सैचुरेटेड तब एवरी 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन विल कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये है हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात और बता दूं आपको, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मैंने देखा अक्सर ग्राम मोलेक्यूल ये सब में ना बच्चों का सॉलिड कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि मैं अक्सर पूछता हूं 1 molecule ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, अरे भाई वो 1 gram ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये याद रखो 1 molecule ऑफ HB कैरीज 4 molecules ऑफ कैन कैरी, 1 molecule ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 molecules ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम। चलो तो टोटल O2 कंटेंट ऑफ द ब्लड, टोटल O2 कंटेंट ऑफ द आर्टेरियल ब्लड, मतलब जो HB ने कैरी किया और जो डिसॉल्व HB ने कैरी किया हुआ और T का डिसॉल्व फॉर्म में। अब सोचो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना है, 14 grams per cent, 14-15 ये नॉर्मल लेवल है, ओके okay? अगर 1 gram ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन तो 14 grams ऑफ हीमोग्लोबिन विल कैरी हाउ मच, 14 into 1.34, तो रफली 19.6 ml आता है वो, और डिसॉल्व जो है फ्री वो मैंने बताया था ना 0.3 to 0.4 ml, तो 19.6 और 0.4 मिला के हो गया 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड बाय एवरी 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड, ओके हर 100 ml आर्टेरियल ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन कैरी होता है, ये आपको लिखना होगा। ये है तो आपके मार्क्स अब इंश्योर हो गए कि आपको काफी अच्छे मार्क्स अब आने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो सुन रहे हैं ना सब, देख रहे हैं ना, अभी अपने पास टाइम भी कम होता जा रहा है, चलो कोई बात नहीं ना तो खत्म कर ही लेते हैं। कहा गया, हाँ ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है O2 यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने मेरे लाइव लेक्चर्स अटेंड किए हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर्स अटेंड किए हैं, लेकिन ये बताते वक्त मैंने एक बताया था कि हार्ट अटैक हार्ट में ही क्यों आता है, उसका रीज़न आपको इस पार्ट में मिलता है। अगर आप में से किसी ने अटेंड किया होगा, हार्ट अटैक हार्ट में ही आता है, आई नो दैट। कहने का मतलब है कि हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन हार्ट में ही क्यों आती है, बाकी जगह पे क्यों नहीं आती, ये समझने के लिए आपको ये पार्ट समझना। तो चलो O2 यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो वो फिर हेरा फेरी का डायलॉग याद आया, वो फिर हेरा फेरी था ना अक्षय कुमार परेश रावल, हार्ट में हार्ट अटैक आया, अरे बाप रे क्या आ गया, किसी को किडनी में हार्ट अटैक आता है, किसी को हार्ट में हार्ट अटैक। बट खैर ये अगर आपको आता मालूम पड़ गया तो वो समझ में आएगा कि वाई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन हार्ट में ही क्यों कॉमन है। तो गौर करो, अभी मैंने क्या बताया आपको, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड बाय एवरी 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड, तो ये है आपका आर्टेरियल ब्लड, ओके
ये आया टिश्यूज में. अब टिश्यूज इस 20 ml में से अंडर नॉर्मल कंडीशंस 5 ml ऑक्सीजन खींच लेती है, निकाल लेती है. ओके, दिस 5 ml इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट. यानी टिश्यूज अपने यूटिलाइजेशन के लिए, अपने यूज के लिए जो ऑक्सीजन निकाल के ले रहे हैं ना आर्टेरियल ब्लड में से या कैपिलरी ब्लड में से, उसको कह रहे हैं. ओके, तो 5 ml एंड 5 out of 20, 20 आया उसमें से 5 निकाल के लिया टिश्यू ने, ये है 25%. ओके, तो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट फॉर मोस्ट टिश्यूज इन द बॉडी इज 25%. ठीक है, पहला पॉइंट. अभी और सुनो. अरे यार, मेरे उसमें वो एक आता है बार बार मेरे फेसबुक फीड में. यही नहीं, और सुनो, ऐसा कुछ तो आता है. चलो तो सुनो, और दूसरा एक और आता है. कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात का? हर 2-3 फेसबुक फीड के बाद ये आता है मीम बन के. मीम्स है या क्या है, कोई सेंस है इस बात का? और वो एक ये, यही नहीं, और सुनो, ये दो मेरे फेसबुक फीड में एवरी अल्टरनेट आते हैं. हाँ चलो, अच्छा यही नहीं, अभी आगे सुनो. 5 out of 20, 25% ना, तो 5 ml खींच के लिया, तो बाकी बचा हुआ 15 ml ना वीनस ब्लड में चला जाता है. 5 ml आया, उसमें से 5 ml खींच के लिया, बचा हुआ 15 ml वीनस ब्लड में चला जाता है. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टेरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस. आर्टेरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस, आर्टरी में 20, वेन में 15, क्योंकि 5 जो है वो खींच लिया टिश्यू ने. तो आर्टेरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस इज 5 ml एंड 5 out of 20, दैट इज 25%. ये कोएफिशिएंट जो है ना वो ये डिफरेंस या ये कोएफिशिएंट जो है ना वो हार्ट में 75% है. यानी हार्ट ना नॉर्मल कंडीशंस में 20 में से 15 ml ऑक्सीजन निकाल लेता है. एक्सेप्शनल है हार्ट. बाकी सारी टिश्यूज 5 ml निकाल लेती है, हार्ट 15 ml निकाल लेता है 20 में. तो ना उसकी ऑक्सीजन का रिजर्व्स बहुत कम रहता है नॉर्मल कंडीशन, और उसको अगर ब्लड सप्लाई उस नहीं मिला तो इट विल सफर फ्रॉम इन्फार्क्शन. मैंने डिटेल में बताया है किसी तो में, तो आप देख सकते हो बाद में अगर टाइम मिला तो. चलो, तो ये है फोटो यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट. अब आखिरी एक कवर कर लेता हूँ एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. फिर आगे का आप पढ़ लेना. वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. तो अगले 5-10 मिनट आपका फुल फोकस मुझे चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर तो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं. तो चलिए अब जानते हैं आखिरी, हम आखिरी इतना ही पॉइंट ले लेंगे, उसके बाद आप अपना अपना पढ़ो, आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए. सो ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व. सबसे पहली बात, मैं इस कर्व को ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व कहता हूं. अच्छा, आप लोग बोलोगे मैं कहता हूं का क्या मतलब है? आप जो हमको फिजियोलॉजी है वो पढ़ाओ ना, आपका अपना फिजियोलॉजी कहाँ निकाल रहे हो? सबसे पहली बात तो आई एम ऑल्सो एन ऑथर, मैंने 4 बुक्स लिखे हैं फिजियोलॉजी के लिए, लेकिन वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पता नहीं है क्योंकि वो पीजी एंट्रेंस के लिए है, नीट पीजी के लिए मोस्टली. दूसरी बात ये कि वो जो ग्राफ है ना जिसको नॉर्मली आप ओ टू डिसोसिएशन कर्व कहते हो, उसी ग्राफ में हाउ ओ टू असोसिएट्स विद एच बी वो भी आता है ना, इसलिए इस ग्राफ को आइडियली ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन ग्राफ कह सकते हैं कि भाई हाउ ओ टू असोसिएट्स विद एच बी एंड हाउ ओ टू डिसोसिएट्स फ्रॉम एच बी. ओके, चलो तो सबसे पहला 2 पॉइंट्स लिख लो. ये ग्राफ में आपको क्या क्या लिखना है, या वाइवा में भी आता है तो क्या क्या बोलना है. सबसे पहला पॉइंट, इट इज एस शेप. ओके, एस शेप या सिग्मॉइड शेप.
अब एस शेप, व्हाई इट इज एस शेप, यानी एस शेप कैसे आता है इस ग्राफ का, और दूसरा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज द बेनिफिट ऑफ द एस, ये दो चीजें आपको बतानी होंगी। अच्छा, एस शेप कैसे बना, इसका जवाब मिलता है हाउ ओ टू एसोसिएट्स विथ एच बी। एस शेप कैसे बनता है का जवाब आपको मिलता है हाउ ओ टू एसोसिएट्स विथ एच बी। ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होता जाता है ना, उस वजह से एस शेप आया इस। और एस शेप का एडवांटेज क्या है ये आपको मालूम पड़ता है व्हेन वी सी हाउ ओ टू डिसोसिएट्स फ्रॉम एच बी। ओ टू डिसोसिएशन फ्रॉम, ओके, मतलब कुछ कुछ पीओ टू के लिए हिमोग्लोबिन विल होल्ड द ऑक्सीजन, यानी ओ टू विल नॉट डिसोसिएट फ्रॉम हिमोग्लोबिन, और कुछ कुछ पीओ टू के लिए हिमोग्लोबिन विल डिसोसिएट, आई मीन हिमोग्लोबिन विल लिबरेट द ऑक्सीजन इजीली। तो इस वजह से वो एडवांटेज है ऑफ द एस शेप। ओके, समझ रहे हो ना बात को, चलो एक के बाद एक देखते हैं फटाफट। पहला पॉइंट है एस शेप क्यों आया, उसका आंसर है ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होता जाता है विथ हीमोग्लोबिन। इमेजिन करो वर्टिकल एक्सिस पे है परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। अब गौर करो, मैं अगले, हाँ एबीसी, एबीसी यूजर ने बहुत ही अच्छा फटाफट लिख के बताया है एडवांटेज ऑफ द एस शेप क्या होता है वो, तो मैं वही प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो एबीसी यूजर थैंक यू वेरी मच, लेकिन फिर भी सुन लो ये पूरा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा, आपको वो याद है ना, मैंने बताया था एवरी वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, याद है ना। अब देखो यहाँ पे एस शेप मतलब ये पहला स्लोली राइजिंग पार्ट, फिर ये रैपिडली राइजिंग पार्ट, और फिर ये फ्लैट पार्ट। तो हम नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इमेजिन हीमोग्लोबिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं आरबीसी के अंदर, इमेजिन कि वो सब लंग्स में आ रहे हैं, और वो सब जो मॉलिक्यूल्स है ना वो सब अभी खाली पड़े हैं, मतलब सब ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया टिश्यूज में, अब वापस लंग्स में आ रहे हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, इमेजिन कर सकते हो। तो फिलहाल सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो है ना किसी के पास भी कोई ऑक्सीजन नहीं है, अब वो लंग्स में आ गए। अब इमेजिन करो ये सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स के साथ पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं, याद है मैंने क्या बताया था एवरी वन मॉलिक्यूल कैन टेक अप फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमली, हाँ वो देखा था ना हमने। अब इमेजिन करो कि ये सारे जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है ना, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, अपना ऑक्सीजन सब दे दिया उन्होंने टिश्यूज में हाइपोथेटिकली, अब वापस लंग्स में आ रहे हैं, अब वो ऑक्सीजन पिकअप करने वाले हैं। तो इमेजिन फर्स्ट पार्ट विच इज राइजिंग स्लोली, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन राइजिंग स्लोली, ये वाला पार्ट, ये हमें क्या बताता है मालूम है, फर्स्ट ओ टू मॉलिक्यूल्स कंबाइनिंग विद द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, दिस हैपेंस स्लोली। व्हाई दिस हैपेंस स्लोली, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन है ना, वो ग्लोबिन चेन्स जो है ना, जब कोई ऑक्सीजन नहीं होता तो ग्लोबिन चेन्स आर इन द टी स्टेट या टेंस स्टेट, समझ रहे हो आप। सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ग्लोबिन चेन्स है वो टी स्टेट में है, टेंस स्टेट, जब कोई ऑक्सीजन उनके पास नहीं है तब। तो ये सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आए लंग्स में आ गए, तभी की ग्लोबिन चेन्स टी स्टेट में थी,
अब सारे हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स के साथ पहले ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स कंबाइन होने जा रहे हैं, एक दो तीन चार, हर एक के साथ एक दो तीन चार होने वाला है, चार मोलिक्यूल्स कंबाइन होने वाले। तो पहले ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स कंबाइनिंग विद द हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स विल हैपन स्लोली, क्यों? क्योंकि ग्लोबिन चेन्स आर इन टी स्टेट एंड टी स्टेट में O2 एफिनिटी फॉर Hb इज लो, तो ये कॉम्बिनेशन है ना स्लोली होगा, और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन स्लोली होगा परसेंट सैचुरेशन राइजिंग। फिर इमेजिन करो सारे हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स के साथ पहले ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स कंबाइन हो चुके, हर एक के साथ चार चार होने वाले हैं, उसमें से पहले मोलिक्यूल्स कंबाइन हो चुके हर हीमोग्लोबिन के साथ, अब क्या होगा मालूम है? अब ग्राफ इज राइजिंग रैपिडली, क्यों? क्योंकि अब हर हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल के साथ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑक्सीजन मोलिक्यूल कंबाइनिंग, दिस हैपन्स वेरी रैपिडली। एक बार पहला मोलिक्यूल कंबाइन हो जाए ना, के बाद दूसरा तीसरा और चौथा मोलिक्यूल बहुत रैपिडली कंबाइन होता है विद द, क्यों? क्योंकि एक तो ग्लोबिन चेन्स गो इनटू आर स्टेट बैक स्टेट, और इस स्टेट में ग्लोबिन चेन के इस स्टेट में O2 एफिनिटी फॉर Hb इंक्रीजेस, ओके, तो O2 फटाफट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो सकता। और दूसरा देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी अमंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मतलब पहला कंबाइन हुआ उसकी वजह से दूसरा और रैपिडली कंबाइन होता है, दूसरा कंबाइन हुआ उसकी वजह से तीसरा और जल्दी खींच ली, तीसरे को और जल्दी खींच लिया जाता है, तीसरा कंबाइन हुआ उसकी वजह से चौथा और रैपिडली, तो दूसरा तीसरा और चौथा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग वेरी रैपिडली विद द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, और इसलिए हीमोग्लोबिन का परसेंट सैचुरेशन राइजिंग वेरी स्टीपली, दैट इज द स्टीप पोर्शन ऑफ द कर्व, ओके। तो ये है रीजन फॉर एस शेप, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर एंड, इनिशियली ग्राफ इज राइजिंग स्लोली, देन द ग्राफ इज राइजिंग रैपिडली, ओके, यहां तक ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, द एडवांटेज ऑफ द एस शेप, और मैंने क्या कहा था, इट डिपेंड, द एडवांटेज इज ऑन द ओ टू डिसोसिएशन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, तो अब हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाले एंड से। चलो फटाफट खत्म करते हैं, फिर आप पढ़ने को बैठो, फिर से लिखते हैं परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, आपको इस टर्म का मतलब तो समझ में आ गया है ना, परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन परसेंट सैचुरेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन इज लिबरेटेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन परसेंट सैचुरेशन कम होता जाएगा, सीधी सी बात है, ओके। चलो तो अब देखते हैं इस एक्सिस पे क्या है, PO2 mm of H, ग्राफ फिर से निकालना होगा, PO2 है 10 30 40 50 60 70 80 90 100 PO2 100 तक ही है ना, अल्वियोलस में 104, आरटीएल ब्लड में 95। अब सबसे पहले एक काम करो, ओके, व्हाट इज, अच्छा सुन रहे हो ना सब लोग, सुनो, मैं जानता हूं आप सैचुरेट हो चुके हो, आखिरी कुछ लम्हे बचे हुए हैं, ठीक से सुनो, व्हाट इज P50, फॉर यू ड्रॉ द ग्राफ गो टू राइट दिस, व्हाट इज P50, चलो अभी तक कुछ मैंने आपको पूछा नहीं, अभी पूछता हूं, व्हाट इज P50, यस अजया जी डी, वन मोलेक्यूल कंबाइंस विद Hb तो 25% सैचुरेशन फॉर दैट वन मोलेक्यूल, करेक्ट, दो मोलेक्यूल्स कंबाइन हो गए तो 50% सैचुरेशन ऑफ वन मोलेक्यूल, करेक्ट, दैट्स राइट, यू आर राइट, एबीसी यूजर यू आर ऑल्सो राइट, आप सब लोगों ने काफी लिखा है, मैंने अभी देखा ये, करेक्ट। तो ये देखो P50 means that PO2 at which hemoglobin is 50% saturated with oxygen. Okay? So, P50 for hemoglobin is 25 to 28 mm of H of PO2.
ओके पीओ टू 28 mm ऑफ Hg तक फॉल होने तक हीमोग्लोबिन अपना 50% ऑक्सीजन पकड़ के रखता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ पी फिफ्टी. पी फिफ्टी इज दैट पीओ टू एट विच हीमोग्लोबिन इज स्टिल होल्डिंग 50% ऑफ इट्स ऑक्सीजन. आधा 50% मतलब, और वो है 28 mm ऑफ. तो अभी 25 to 28. अब गौर करो यहां पे परसेंट सैचुरेशन है ना, तो ये 50% सैचुरेशन और ये 97%. फुल सैचुरेशन 100 नहीं होता, 97 ही होता है ना. तो ये 97% सैचुरेशन. तो पहले एक काम करो, 50% सैचुरेशन ये लाइन और PO2 28 mm ऑफ Hg. तो अभी आपका ग्राफ जो है ना वो एस शेप, वो इस ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाना चाहिए. तो ग्राफ अभी ऐसे निकालो. थोड़ा ये हो गया, मैं ओके. दिस इज योर एस शेप ग्राफ. और ग्राफ में आप देख सकते हो ये पॉइंट 50% सैचुरेशन कॉरस्पॉन्ड्स विद 28 mm ऑफ Hg ऑफ PO. दैट इज वॉट वी आर सेइंग ना, PO2 P50 इज 25 to 28 mm ऑफ Hg ऑफ PO2. तो ये 28 mm ऑफ Hg PO2 50% सैचुरेशन. तो ऐसे जाना चाहिए. ओके तो समझ में आ गया, ग्राफ ऐसे निकालना होता है. P50 मतलब 50% सैचुरेशन शुड कॉरस्पॉन्ड ऑन द ग्राफ विथ 28 mm ऑफ Hg ऑफ PO2. चलो अभी हाउ O2 डिसोसिएट्स फ्रॉम Hb. तो दो ही पॉइंट्स बताऊंगा और एंड देन वी विल स्टॉप देयर. मैं भी अभी दिन भर लेक्चर लेने के बाद यहाँ आके 2-2.5 घंटा बात कर रहा हूँ, तो 2 घंटे के ऊपर हो ही गया शायद. हाँ ओके तो ये टॉप फ्लैट पोर्शन देखो, ये आपको क्या बताता है ये टॉप फ्लैट पोर्शन. देखो PO2 जब 100 था तब Hb saturation was full और फॉल होके 90, 80, 70, 60 PO2 60 तक फॉल हो गया, saturation still full. ओके तो टॉप फ्लैट पोर्शन इज टेलिंग यू कि PO2 फॉलिंग फ्रॉम 100 mm ऑफ Hg टू 60 mm ऑफ Hg द परसेंट सैचुरेशन रिमेन फुल. The graph is not coming down. इसका मतलब क्या, इन दिस रेंज ऑफ PO2 फॉलिंग PO2 एंड हीमोग्लोबिन होल्ड्स इट्स ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन डज नॉट लिबरेट इट्स ऑक्सीजन. अरे भाई हीमोग्लोबिन पकड़ के रखेगा ऑक्सीजन को तभी तो सैचुरेशन का फुल रहेगा ना. तो ये है. और दूसरा स्टीपली फॉलिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, ये है बिटवीन 60 and 30 mm ऑफ Hg. इन दिस PO2 रेंज जरा सा PO2 फॉल होने पर ग्राफ इज कमिंग डाउन रैपिडली. इसका मतलब क्या, इस PO2 रेंज में टिश्यू में है ये PO2 रेंज, थोड़ा सा ऑक्सीजन और PO2 कम होने पर हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन रीडिली लिबरेट कर देता है, डिलीवर कर देता है एंड मेंटेन्स द PO2 लेवल इन द टिश्यू. एंड इसलिए ग्राफ जो है वो रैपिडली नीचे आता है. तो ये है एडवांटेज ऑफ द एस शेप कि भाई आप अगर माउंटेन्स में चले गए तो अल्वियोलर PO2 जो है वो 100 से 90, 80, 70 ऐसा फॉल हो सकता है. तो ऐसे वक्त हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन पकड़ के रखता है इन द हाई अल्टीट्यूड. और नहीं तो ग्राउंड लेवल पे जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो और PO2 जो है टिश्यू का 60 से लेके 50 ऐसा अगर कम हो रहा है तो हीमोग्लोबिन लिबरेट्स द ऑक्सीजन वेरी रीडिली और उसका परसेंट सैचुरेशन बहुत रैपिडली फॉल होता है. तो ये दो एडवांटेजेस ऑफ द एस शेप आपको लिखने होते हैं. फाइनली G
शिफ्ट टू राइट एंड शिफ्ट टू लेफ्ट, और आज के लिए उतना काफी है, फिर आप अपने अपने से पढ़ो। शिफ्ट टू राइट वर्ड एंड डाउनवर्ड, इसका मतलब होता है इजी डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपने ऑक्सीजन को बहुत इजीली छोड़ देता है, बहुत इजीली छोड़ता है मतलब उस रेंज में जिस रेंज में नॉर्मली पकड़ के रखता है, उस रेंज में भी हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को छोड़ना शुरू कर देता है। देखो ना, शिफ्ट टू राइट मतलब तो ऐसे आना शुरू, तो 100 टू 60 के रेंज में भी अब हीमोग्लोबिन छोड़ रहा है ऑक्सीजन। ओके, तो ये कब होता है? चार कंडीशंस, चार इंटरनेशनल कंडीशंस। ओके, इनको याद रखो, इंक्रीज एच प्लस, इंक्रीज CO2, इंक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज 2-3 बिस्फॉस्फोग्लिसरीन। इंक्रीज एच प्लस, इंक्रीज CO2, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज 2-3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट या डाइफॉस्फोग्लिसरेट 2-3 DPG। जब भी ये होता है तो ऑक्सीजन इज रीडिली लिबरेटेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड द कर्व शिफ्ट्स आउट राइटवर्ड एंड डाउनवर्ड। व्हाट अबाउट शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्टवर्ड एंड अपवर्ड? तो रिवर्स फोर कंडीशंस, अभी नीचे लिख रहा हूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो शिफ्ट टू लेफ्ट रिवर्स चार कंडीशन, डिक्रीज एच प्लस, डिक्रीज CO2, डिक्रीज टेम्परेचर एंड डिक्रीज 2-3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट या डाइफॉस्फोग्लिसरेट RBC। ओके, और एक और कंडीशन है, प्रेजेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन ना फीटल हीमोग्लोबिन को ज्यादा एफिनिटी होती है कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो फीटस में जिसमें फीटल हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है उसमें द कर्व इज शिफ्टेड टू द लेफ्टवर्ड एंड अपवर्ड। ओके, तो ये है टू द लेफ्ट, हीमोग्लोबिन होल्ड्स इट्स ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन डज नॉट लिबरेट द ऑक्सीजन इवन इन द रेंज ऑफ 60-30 mm ऑफ PO। ये है मतलब शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड एंड अपवर्ड। ओके, तो दिस इज अबाउट द अपना शिफ्ट ऑफ द कर्व टू राइट एंड लेफ्ट। शिफ्ट इंक्रीज PCO2, शिफ्टिंग द कर्व टू द राइट इज कॉल्ड एज बोर्स इफेक्ट, POHR, बोर्स इफेक्ट। ठीक है, वो कभी कभी पूछते हैं ना इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अभी जाओ आप लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग पेशेंटली, आंसरिंग एटसेट्रा। यस, साइनाइड पॉइजनिंग, करेक्ट करेक्ट, ABC यूजर इज गिविंग आंसर्स। आयुष, यस आयुष को बहुत टाइम के बाद देखा। हाँ, एच प्लस CO2, यस यस यस, ABC यूजर। अजया टीडी ऑल्सो इज आंसरिंग वेरी नाइसली, गुड गुड गुड। चलो, तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। कल CVS है, कल भी मिस मत करना। कल मैं कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड्स और कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, ऐसे 3-4 बड़े टॉपिक लेने वाला हूँ, डोंट मिस इट। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, कुछ रहेगा तो पूछो। हाँ सनी, बाय।